हे न प्रभु कौथा गेला आचार्य ठाकुर। हे न प्रभु कौथा गेला आचार्य ठाकुर। कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ दास रघुनाथ पतित पावा। कहाँ मोरा भट्ट जुगा कहाँ कवीरा। एक काले कौथा गेला गौर नटरा। पाषाणे कुटीबो माथा अनले पशिबो। गौरंगा गुणेरा निधि कौथा गेले पाबो। से सब संगीरा संगे जे कोई लो बिला। ते संग ना पाया कांदे नरोत्तम दे। अनिल प्रेम धना करुणा प्रचुर प्रभु कौथा गेला आचार्य ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर आमी तुमार कुकुर। वैष्णव ठाकुर आमी तुमार कुकुर।
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद की जय प्रभुपाद की जय श्री सनातन स्वामी त्रिभक्ति महामहोत्सव की जय चतुर्मास व्रत महामहोत्सव की जय समस्त कथित वैष्णव भक्त वृंद की जय श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया प्रभु सुदर्शन की जय गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय श्री श्री गौर निताय की जय निताय निताय गौर नमनंदे हरि 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 बोल हरे कृष्णा ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन्मैष्टवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणनता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेषाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे मुखम करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुदिनधारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं जय गुरुदेव जय श्रीगुरुपाद की जय हरे कृष्णा। तो कल श्री सनातन गोस्वामी के ऊपर हम चर्चा नहीं कर पाए थे क्योंकि कल पूरे वैष्णव समाज के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन था। श्री भक्तिचारु महाराज जी का तिरुभाव दिवस था और इसी उपलक्ष में फिर हम सब ने फिर कल श्री गोपाल कृष्ण महाराज के मुखारविंद से हरी कथा सुनी, वैष्णव कथा सुनी हमने। तो इसलिए आज श्री सनातन गोस्वामी के बारे में थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा हम चतुर्मास की चर्चा करेंगे, ठीक है। चतुर्मास हम जानते हैं ये चार मास हैं। तो वैसे जो वैष्णव संप्रदाय हैं, इनफैक्ट और भी जो शाक्त हैं शैव हैं, उनमें रहता है कि चतुर्मास जो होता है उसमें इट्स अ रेनी सीजन, और रेनी सीजन होता है तो बारिश है, और बारिश की वजह से क्या है रास्ते बड़े कीचड़ भरे हो जाते हैं, तो स्टेज जहाँ से दूसरे स्थान पर जाना मुश्किल हो जाता है। तो जो जहाँ होता है वो वहीं पे थम जाता है और चतुर्मास के बाद ही सारे कार्यकलाप किए जाते हैं। तो इसे चतुर्मास के समय में ज़्यादातर लोग फिर हरी कथा किया करते थे, ऐसा कल्चर था कि सब मिलेंगे सब हरी कथा करेंगे, ज़्यादा हरी नाम लेंगे। भाई मूवमेंट अब रुक गई है क्योंकि बारिश का समय आ गया है, इसीलिए अब मूवमेंट रुक जाएगी। तो इसलिए फिर ज़्यादातर आध्यात्मिक कोर्सेज और कार्यकलाप इस तरह के चतुर्मास में हुआ क्या करते थे। जैसे भगवान श्री राम भी जो है चतुर्मास के समय में उन्हें वेट किया गया, चतुर्मास ओवर होता है उसके बाद फिर पुल बनाना हम शुरू करेंगे। तो चतुर्मास ऐसा समय रहता है, इनफैक्ट किसी को मैरिज भी करनी होती है तो कहते हैं अभी चतुर्मास में रुक जाओ, अब उसके बाद फिर कर लेना। तो कोई भी, तो बाकी जो अभी जो समय है, अब ये लॉकडाउन का समय है, चार महीना जो है वो लॉकडाउन का समय होता है कि अभी सब लॉकडाउन है, अभी सब के सब हरी कथा हरी नाम मिलेंगे लाइक दैट। तो चतुर्मास में वैसे हम सब जानते हैं कि जो पहला महीना होता है यानी जुलाई 5 से लेकर के इस बार जुलाई 2 तक रहेगा पहला महीना, तो इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इनको अवॉइड करना चाहिए। और उसके बाद फिर दूसरा महीना आएगा योगर्ट का यानी दही का आएगा, वो है अगस्त 3 से लेकर के सितंबर 1 तक। उसके बाद फिर हमें दूध से परहेज करना है एक महीना, सितंबर 2 से लेकर के अक्टूबर 30 तक। उसके बाद फिर उड़द दाल जो है अक्टूबर 31 से लेकर के नवंबर 30 तक। तो इस प्रकार से चतुर्मास की ये डेट्स हैं इस बार, और ये व्यवहारिक भी है। जैसे कि अभी बारिशें आती हैं, बारिशों में क्या होता है कि इवन जो हरे पत्ते होते हैं उनके अंदर कीड़े लग जाते हैं, तो इसलिए हरे पत्ते वाली सब्जियां ना खाना, ये साइंटिफिक भी है व्यवहारिक भी है।
कोई बोले आप लोग ऐसे ही भाई अंधविश्वास करते रहते हो, खाओ जी खा लो, उसी में कोबरे का जब बच्चा निकलेगा तो मजा आएगा आपको खाने में। फिर कहते यार ये कैसे निकला भाई, सर्दियों में बारिश हो गई थी, वो निकल आया और गोभी की पत्ती के सब्जी में घुस गया वो, उसी को आपने जो है बनाया आपने खाया तो बढ़िया, फिर ऑल द बेस्ट। तो इसी प्रकार से बाकी जितने भी द्रव्य हैं वो उस पर्टिकुलर महीने में उनके अंदर विकार आता है, जैसे दूध है, दही है, लाइक दैट। और उड़द दाल होती है, उड़द दाल का जो आखिरी वाला जो महीना होता है इसमें, उसमें रजोगुण बिकॉज पर्यावरण की वजह से ज़्यादा होता है, वैसे ही दालों में उड़द दाल के अंदर रजोगुण ज़्यादा होता है बिकॉज उसमें प्रोटीन ज़्यादा है, विशेष रूप से जो आखिरी महीना होता है इसमें ज़्यादा मिलता है, तो दैट फेज इसीलिए उड़द दाल का सेवन नहीं करते। तो इस प्रकार से चतुर्मास का पालन किया जाता है। चतुर्मास का पालन करने के लिए बेसिक सबसे प्री रिक्विजिट है वो है ब्रह्मचर्य का पालन, इवन गृहस्थों को भी करना होता है। अगर कोई व्यक्ति और कोई व्रत लेता है वैसे तो, लेकिन अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता तो वो सारा व्रत बाकी व्यर्थ है उसका। जैसे कई लोग दाढ़ी वाड़ी बढ़ाते हैं चतुर्मास में, उससे क्या है पता लगता है अच्छा आप चतुर्मास रखे हुए क्या, काफी तपस्वी हैं आप, वेरी तपस्वी। अच्छा ब्रह्मचर्य पालन करते हो, नहीं उसको मैं भंग कर देता हूँ, उससे दाढ़ी बढ़ाता हूँ बस। बेसिक प्री रिक्विस्ट किसी भी व्रत को पालन करने के लिए है जी, उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। तो इसे इन चार महीनों में इवन गृहस्थास जो है उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचारी उनको तो पालन करना ही हमेशा ही करना है। तो ये प्री रिक्विस्ट है, तो अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता उसका, उसने ये व्रत लिए वो व्रत लिए, सर वो बेसिक ही टूट गया। कोई व्रत इवन एकादशी का व्रत है अगर उसमें ब्रह्मचर्य टूटता है तो व्रत टूट जाता है एक्चुअली वो। सो दैट इज ब्रह्मचर्य का पालन करना ये प्री रिक्विस्ट है किसी व्रत के लिए, तो चतुर्मास के लिए भी ये प्री रिक्विस्ट है। ठीक है जी, इसमें रेकमेंड किया जाता है कि ना व्यक्ति को धाम निवास करना चाहिए चार महीने के लिए। अक्सर पहले लोग ऐसे क्या करते थे कि धाम निवास करेंगे और धाम में फिर वो भक्तों का संग करेंगे। अगर धाम में निवास नहीं कर सकते, आपकी सेवा है यहाँ घर में, आप जिम्मेदारियाँ हैं, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, कम से कम विजिट करके ज़रूर आना चाहिए, कम से कम तीन दिन के लिए। तीन दिन के लिए जाएँ, सॉरी ज़्यादा तीन दिन के लिए, क्योंकि तीन दिन के बाद फिर जो है अकाउंटिंग शुरू हो जाती है कि ओके तीन दिन हो गए आप ना अकाउंटिंग ऑफेंसेस की जो है वृंदा रानी जो है वो नोट करना शुरू दे, ओके ऑफेंस वन नोटेड, ऑफेंस टू नोटेड, ऑफेंस थ्री नोटेड, फिर जो है अब नोटिंग शुरू हो जाती है। तो दैट फेज तीन दिन तक डिस्काउंट होता है, भैया टूरिस्ट है टूरिस्ट है टूरिस्ट 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 का भी अपराध माफ होता है। अच्छा चार दिन हो गया, नहीं सर आप टूरिस्ट नहीं, कहते ना हम टूरिस्ट से ज़्यादा। अच्छा फिर ठीक है ले आओ जी रजिस्टर, ले आओ पेन ले आओ, फिर नोट डाउन शुरू होता है। सो दैट फेज जाना चाहिए, लेकिन जाना अवश्य चाहिए, विशेष रूप से कार्तिक में जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो इसमें हमें किसी न किसी तरह के व्रत हमें लेने चाहिए चतुर्मास में। बहुत अच्छा रहता है कि हम अपनी चैंटिंग बढ़ाएं, ऐसे फॉर एग्जांपल 20 राउंड चैंटिंग करें, अगर आप 16 माला जप करते हैं तो 20 राउंड चैंटिंग कर सकते हैं। ओके और कर सकते हैं, वैसे तो बताया गया कि इसमें सोने को त्यागना चाहिए, एक तो सोना है और एक सोना, अगर जो सोना नहीं त्याग सकता है, सोना है ही नहीं हमारे पास, चांदी भी नहीं हमारे पास, फिर क्या कोई बात नहीं, थोड़ा ये वाला सोना थोड़ा त्याग दो। तो हमें खाना और सोना जो है थोड़ा सा कम करना चाहिए। कुछ जीवी ऐसा भी करते हैं कि पहले महीने में कुछ त्याग करते हैं, सेकेंड महीने में कुछ त्याग करते हैं, थर्ड में कुछ, चौथे में कुछ त्याग करेंगे जो उनका बहुत फेवरेट है। जैसे एक कॉमन चीज़ हम सब त्याग सकते हैं वो है सोशल मीडिया, चार महीने में सोशल मीडिया से ऑफ रहेंगे, ये एक नया तरह का व्रत है, ये तो शास्त्र में है नहीं। लेकिन जो चीज़ बहुत प्रिय वस्तु होती है प्रिय वस्तु छोड़नी चाहिए, तो सबसे अधिक प्रिय जो है अभी इस समय कलयुग में वो सोशल मीडिया है, तो मैं अगले चार महीने सोशल मीडिया से व्रत लेता हूँ, बहुत बढ़िया A1। अगर कोई ऐसा करे उसको भक्ति में बहुत इजाफा होगा, उसका बहुत तरक्की होगी उसकी। और कुछ तो ऐसा भी करते हैं, पहले महीने में जो त्यागा है उसको सेकेंड में कंटिन्यू करते हुए एक और चीज़ त्यागते हैं, थर्ड में तीन चीज़ें त्यागते हैं, चार महीने चौथी चीज़ त्यागते हैं, तो दैट वे ऐसा भी करते हैं विच इज़ लाइक क्यूमुलेटिव त्याग, तो वैसे वाला त्याग भी करते हैं कुछ डिवोटीज। और बाकी ऑफ कोर्स कोई शेविंग नहीं करता जैसा, हालांकि शेविंग वगैरह प्रभुपाद जी ने इतना रिकमेंड नहीं किया, कुछ लोग दाढ़ी वाड़ी बढ़ाते हैं लेकिन प्रभुपाद जी ने दाढ़ी बढ़ाना जो है उसको एनकरेज नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रीचिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसीलिए। जैसे एक समय गिरिराज महाराज ने एकादशी के दिन दाढ़ी बढ़ाई हुई थी, उन्होंने शेविंग नहीं की, प्रभुपाद जी ने कहा गिरिराज तुमने ये दाढ़ी क्यों बढ़ाई हुई है, तुमने शेविंग क्यों नहीं की? उन्होंने कहा श्री प्रभुपाद वो एकादशी है ना इसलिए मैंने शेविंग नहीं की।
प्रभुपाद ने कहा यू आर टेम्पल प्रेसिडेंट, यू आर अ प्रीचर, आप प्रचारक हो, आपको लोगों से मिलना होता है. सो इवन ऑन एकादशी यू कैन शेव. तो इसलिए दाढ़ी वाड़ी बनाना जो है ऐसे बढ़ाई होती है भक्तों ने कई बार, तो वो इतना रिकमेंडेड नहीं है. लेकिन अगर आपको फील लेकर के आनी कि मैंने व्रत रखा हुआ है, मैंने व्रत रखा हुआ है, मैंने व्रत रखा हुआ है, और थोड़ा तारीफ इकट्ठा करने का शौक है, तो दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लें. अदरवाइज वैसे दाढ़ी बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है जी. तो इस प्रकार से जो है चतुर्मास का व्रत रखा जा सकता है. ठीक है जी. ओके, हम बढ़ते हैं आगे श्री सनातन गोस्वामी की ग्लोरीज के ऊपर. अब श्री सनातन गोस्वामी जो है इस लवंग मंजरी राधा कृष्ण की लीलाओं में ये नित्य सिद्ध वैष्णव वास्तव में, और ये है लवंग मंजरी. तो मंजरियाँ जो होती हैं इनकी बड़ा स्पेशल प्रेरोगेटिव होता है राधा कृष्ण की लीलाओं में. इवन वेन राधा एंड कृष्णा वेन दे आर हैविंग वेरी कॉन्फिडेंशियल इंटीमेट पास टाइम्स, बड़े ही उनकी गोपनीय जब लीलाएं हो रही हैं उस वक्त गोपियां भी एंटर नहीं करती, लेकिन मंजरियों को अंदर जाना अलाउड होता है, क्योंकि मंजरियां जो है दे मेक प्रेपरेशंस फॉर राधा कृष्ण लीला टू हैपन. तो इसीलिए ऐसी मंजरियों में से एक बहुत ही वरिष्ठ मंजरी है, वो है लवंग मंजरी. सो लवंग मंजरी जब आती है महाप्रभु की लीलाओं में, सो देन शी कम्स एज श्रील सनातन गोस्वामी. ठीक है जी. तो इनका जन्म की जो पूरी लिनियज है वैष्णव जी गोस्वामी ने दी है, एक ग्रंथ है लघु वैष्णव तोषणी, तो उसके अंदर जो है पूरी लिनियज दी है इनकी, किस प्रकार से इनकी बहुत ही रॉयल लिनियज रही है. और श्री सनातन गोस्वामी थे, पहले इनका नाम था संतोष देव और इनके भाई का नाम था अमरदेव और साथ ही वल्लभ. ये तीन मुख्य भाई, वैसे सात भाई थे लेकिन ये तीन बहुत ही मुख्य थे, बहुत ही प्रगाढ़ पंडित भी थे, बहुत नॉलेज थी इनको बचपन से ही जो है, इनको सारे व्याकरण संस्कृत भाषाओं का ज्ञान था इनको. और इनका जो जन्म हुआ प्रकट हुआ था वो था 1465 में. एक 1491 भी डेट आती है लेकिन 1465 इज मोर लॉजिकल, रीजन बीइंग 1465 की डेट लेके चलें तो फिर इनका प्राइम मिनिस्टर बनने की डेट जो होगी वो होगी करीब से 45 से 50 साल के आसपास, विच इज़ मोर लॉजिकल. अगर सिर्फ 91 लेके चलते हैं तो 21-22 की उम्र होगी, विच इज 21-22 की उम्र में कोई प्राइम मिनिस्टर वैसे बनता नहीं है, एज ही वुड बिकम. तो राजा हुसैन शाह के यहाँ पर इनको रहना पड़ा था, इनको नौकरी करनी पड़ी थी, उसकी स्टोरी में अभी हम जाएंगे. पर इस प्रकार से तीनों भाई थे अमरदेव, संतोष देव एंड वल्लभ. वल्लभ जी के आगे जाके पुत्र होंगे श्री जीव गोस्वामी. ओके, तो अमरदेव और संतोष देव थे, बहुत ही स्कॉलरली थे और उस वक्त जितनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुआ करती थी उसके लिए फारसी और अरबी आना जरूरी था. तो फारसी और अरबी सीखने के लिए ये सप्तग्राम गए. वहाँ फखरुद्दीन नाम के व्यक्ति से उन्होंने फारसी भी सीखी और अरबी भाषा भी सीखी और बहुत जल्दी सीख गए. इवन फखरुद्दीन हैरान थे कि इतनी जल्दी तो रिकॉर्ड तोड़ा, मतलब इतनी जल्दी किसी ने नहीं सीखी, क्योंकि फारसी और अरबी दोनों भाषाएँ काफ़ी इंट्रिकेट भाषाएँ हैं, पर ये बहुत जल्दी सीख गए. तो दूसरा से तुरंत ये भाषा सीख करके भी आ गए और बहुत ही विद्वान, बहुत ही बुद्धिमान. तो अमर और संतोष, तो राजा हुसैन शाह हु वाज वेरी टायरेंट, बड़ा क्रूर राजा था राजा हुसैन शाह. तो अक्सर जाना किसी प्रांत में जाना, वहां पे मंदिर तोड़ के आना, ये क्या करता था राजा हुसैन शाह, ये शौक था उनको. तो एक समय ऐसा हुआ कि उनको ना एक मकबरा बनाना था. अब मकबरा बनाना था तो ना मकबरा बनाने के लिए सोच ही रहे थे मैं कारीगर कहाँ से लेकर के आऊँ. तो उन्हीं का एक मिनिस्टर था, उसने कहा अरे जहाँ पर ना ये तो बहुत ही आसान है, ये इसका तो ऐसे ऐसे बन जाएगा ना, इसका तो मकबरा वैसे बन जाएगा, इसका टीला ऐसा बन जाएगा ना, तुमको पता है सब कुछ, फिर भी तुमने मुझको बताया नहीं अभी तक कि तुमको सब कुछ पता है. कहता हाँ वो आपने कोई पूछा ही नहीं तो मैंने बताया नहीं. कहता ये क्या बात है कि मैंने पूछा नहीं तुमने बताया नहीं, तुमको पता तो है ये हम टीला बना रहे हैं, क्योंकि तुमने अपने ज्ञान को अपने पास ही रखा, मरवा दो इसको, सजाए मौत, मरवा दिया उसको. अब टीला लेकिन आधा बना हुआ है, मरवा तो दिया उसको गुस्से में आकर के, लेकिन टीला तो आधा ही बना हुआ है. तो फिर हिंगा नाम का उसका मिनिस्टर था हुसैन शाह का, उसको बुलाया कि ना ये टीला भला कैसे बनना है, जिसको बनाना आता था उसको तो मैंने मरवा दिया है, लेकिन बनाना तो है, कैसे बनाया जाए. तो ऐसा करो, अब वो सोच ही रहे थे कि ना कैसे इसको बनाया जाएगा. तो फिर उसके बाद ना ये राजा हुसैन शाह किसी और से बात करने लग गया. अब हिंगा को भेज तो दिया लेकिन हिंगा ने कहा इंस्ट्रक्शन तो मिली नहीं, कहाँ जाना है, कहाँ से लेकर के आना है, मजदूर कहाँ से लेके आना, क्या कैसे लेके आऊँगा मैं. तो बहुत दुखी होकर के जा रहा था, क्या करूँगा, काम पूरा होगा नहीं, राजा को तो मरवाना आता है,
और दफा 302 के लिए कहीं वो फांसी भी नहीं देता, उसके पास ही रखा हुआ है, उसी से काम करता अपना सारा। तो फिर मैं बहुत चिंता में था। तो श्री सनातन गोस्वामी जो है उस वक्त ये वजीर है संतोष देव, उन्होंने देख लिया उनको कि बड़े चिंता में है। कहते क्या हो गया तुम, बड़ी चिंता में हो? कहते हाँ, राजा हुसैन शाह ने वो बोला वो टीला बनाना है, लेकिन ना वो बताया नहीं उन्हें जाना कहाँ है, क्या करना है, कितने कितने मजदूर चाहिए होंगे, कहाँ मिलेंगे मजदूर, ये तो कुछ बताया नहीं। कहते अच्छा, अरे ये सप्तग्राम में चले जाओ, थोड़ा वहाँ से मिल जाएंगे, ये थोड़ा दूसरा स्थान है वहाँ से वो मिल जाएंगे, ये वो बना देंगे, ये वो बना देंगे, बस और क्या, सिंपल ऐसा है। और टीला जो है इतना होना चाहिए, उसकी डायमेंशन जो है इतनी है, जैसे टीला ये इतना होना चाहिए, इतना बड़ा होगा तो गिर जाएगा, छोटा होगा तो अजीब दिखेगा, ये पूरा स्ट्रक्चर बना के दे दिया। और उसके बाद जो है ये हिंगा नाम का जो सिपाही था आ गया हुसैन शाह के पास, और ले भी आया, नक्शा भी ले आया, ऐसा बनेगा ऐसा बनेगा। कहता अरे वाह, तू कब से इतना उत्साह उस्ताद हो गया, तू बादाम रोगन पी रहा आजकल, क्या हुआ तेरे को, ये कहते हो ये किसने सूझबूझ दी, मैं तेरे को बताया भी नहीं, तू भी तू कर गया, तू कमाल है। तो उसने कहा, हिंगा ने कहा, देखिए मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, ये असल में वो है ना संतोष देव, उसने मेरे को बताया। अच्छा संतोष देव, कौन है संतोष देव, कौन है? तो आसपास जो मिनिस्टर्स उन्हें बता रहे, संतोष देव अरे बड़े स्कॉलरली हैं, बड़े समझदार हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, उनको फारसी भी आती है, फारसी भी आती है, उर्दू भी आती है, ये वो। अच्छा हिंदू है, ठीक है, बुला के लेकर के आओ। तो लेकर के आए। अच्छा, और साथ में अमर देव, उनकी भी तारीफ हो गई कि भाई भाई बहुत समझदार है ना, दोनों को लेकर के आओ, इतने समझदार लोग हमारे प्रांत में रह रहे हैं, हम ही को नहीं पता, लेकर के आओ इनको। लेकर के आए तो इनको बताया हुसैन शाह ने, कहा ये ऑफर लेटर है प्राइम मिनिस्टरशिप का आपके लिए, फाइनेंस मिनिस्टरशिप वाली, आप फाइनेंस मिनिस्टर हो जाओ, अमरदेव संतोष देव आप हो जाओ जी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं, देखिए हम लोग क्या हैं, हम लोग तो भागवत वगैरह पढ़ने वाले लोग हैं, हम लोग हमारा इन सब इंटरेस्ट नहीं हमारा है, नो मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में इंटरेस्ट नहीं हमारा, थैंक यू, आपने इतना हमें सम्मान दिया, धन्यवाद, हम लोग चलेंगे, चलते हैं हम लोग। कहता अरे सुनते सुनिए 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 सुनिए, आपको ब्राह्मण कैसे लगते हैं? तो हमें ब्राह्मण अच्छे लगते हैं, पूजनीय है, ब्राह्मण तो निश्चित होते। अच्छा अगर जैसे अगर आप प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर बनने से मना कर दो, अगर मैं एक एक करके उनको मारूं तो कैसा रहेगा, उनके टुकड़े टुकड़े करूं और मैं उनको मरवाऊं तो कैसा, आपको कैसा लगेगा? आपको कहते हैं हमको बहुत बुरा लगे। तो आप चाहते हो आपको बुरा लगे? नहीं ना, तो ऑफर लेटर है, साइन करो इसको, और ये आप जो है ना ये दाढ़ी बढ़ानी है आपको, और यहाँ से साफ, ठीक है, और वो टोपी दे दो इनको, यहाँ टोपी ऐसी बनी है, आपको इस तरह से ही रहना है, हमारे हम हुसैन शाह हैं, हमारे यहाँ से हमारे हिसाब से चलता है, तो इसीलिए आपको ऐसे ही रहना है। कपड़े दे दो इनको जैसे हम लोग पहनते हैं, और उसका बड़ा जैसे कपड़ा वगैरह दे दिया भाई, बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पजामा, सब दे दिया उनको, आपको ड्रेस वगैरह पहननी है आपको, ठीक है जी, तो ड्रेस वगैरह भी दे दी, आप जैसा हुसैन शाह पहनेंगे जी वैसे वैसे बाकी सब सब रहेंगे। तो आप साखर, अब इनको नाम भी दिया गया, आपकी दीक्षा भी तो होनी चाहिए, है कि नहीं? आज से संतोष दे आपका नाम है साखर मलिक, ठीक है जी, और ये आपका नाम दबीर खास, ठीक है जी, खुश हैं आप लोग, दीक्षा हो गई आज आप लोगों की, हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल। अब इस तरह से भी सर्व करने लगे मिनिस्टर के तौर पे, प्राइम मिनिस्टर के तौर पे श्री सनातन गोस्वामी, और फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे श्री रूप गोस्वामी, इनके नाम अभी क्या हैं, दबीर खास और साखर मलिक। अभी रहते थे, सब कुछ बड़ा एक्सपर्टली संभाला हुआ था इन्होंने, लेकिन तभी इनको पता लगा कि ना उड़ीसा में किस तरह से हुसैन शाह ने वहाँ कई सारे मंदिर तोड़वा दिए, कई सारे हिंदुओं को मार दिया वहाँ पर, तो ना इनको बड़ा गिल्ट फील होता था कि हम किस व्यक्ति के साथ मैनेजमेंट कर रहे हैं, इस ऐसे व्यक्ति के साथ जो कि मंदिर तोड़वा देता है। तो फिर इन्होंने क्या किया, रिजेंटमेंट थोड़ा शो करनी शुरू कर दी कि ना अब हमें ना कुछ ना अब ये इनके इन प्रकार यहाँ से भाग लेना चाहिए हमको। अब ये लोग ये विचार कर ही रहे थे कि कब करें, क्या करें, कैसे करें, चैतन्य महाप्रभु आए हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु हम साथ नहीं है, हम यहाँ हुसैन शाह के साथ हैं, दुखी थे बहुत, फिर क्या करें, तो बहुत दुखी थे। तभी जो है उस पर अब भगवान जानते हैं कि कब कब किसकी भक्ति इच्छा क्या है, अगर भक्ति बहुत तीव्र इच्छा होती है ना अगर भगवान से मिलने की, तो उसको भगवान के पास ही जाना पड़ता, भगवान उस भक्त के पास आते। तो महाप्रभु जब वृंदावन की ओर जा रहे थे, तो वृंदावन की ओर सीधे निकलते निकलते क्या है,
और राइट मुड़ गए। भक्तों ने कहा अरे जीपीएस के हिसाब से तो सीधा वृंदावन है, ये महाप्रभु राइट क्यों मुड़ गए, कौन से स्थान पे जा रहे हैं? कहते हैं राम के लिए नाम को कुछ स्थान पड़ेगा, वहीं वहीं जा रहे हैं। तो अपना कोर्स ऑफ डायरेक्शन महाप्रभु ने चेंज कर दिया, क्योंकि दो बहुत ही विशेष भक्त हैं जो कि उनकी बहुत हृदय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो दबीर खास और साखर मलिक। तो जैसे ही महाप्रभु के आगमन का उनको पता लगा, ये दौड़ते हुए गए महाप्रभु से मिलने के लिए, आराम से नहीं गए, दौड़ते हुए गए, क्योंकि इतनी उत्कंठा थी उनके हृदय के अंदर कि हमें महाप्रभु से मिलना है, दौड़ते हुए गए और आंखों में अश्रु लिए हुए हैं और महाप्रभु का नाम ले रहे हैं, और ये महाप्रभु के पास पहुंचे और साष्टांग दंडवत कर दिया महाप्रभु को। महाप्रभु ने इनका आलिंगन किया, उनको आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो, क्योंकि आपने कृष्ण की शरण ली हुई है तो कृष्ण निश्चित रूप से बहुत जल्दी व्यवस्था करेंगे जबकि आपको यहां से निकलने का मौका मिलेगा, कृष्ण आपकी मदद करेंगे। कृष्ण है कौन, ये खुद ही तो है। तो इस प्रकार से उनको आश्वासन दिया और साथ ही उनको नाम भी दिया, संतोष देव का नाम पड़ा सनातन गोस्वामी, और श्री और दबीर खास जो जो कि अमरदेव, उनको नाम मिला श्री रूप गोस्वामी। तो इस प्रकार से माना जाता है कि महाप्रभु ने ही इनको दीक्षा दी, हालांकि दीक्षा में ऐसा होता है यज्ञ होता है स्वाहा स्वाहा होता है, लेकिन इस प्रकार से जब नाम दिया गया तो यही माना जाता है कि महाप्रभु के फिर ये अब ये पार्षद थे, पार्षद हैं ही वैसे भी, अब महाप्रभु ने इनको इन अभी दीक्षा दी, क्योंकि नाम कौन देता है, गुरु देते हैं। सो दिस वे बीइंग एम्पावर्ड बाय लॉर्ड चैतन्य, महाप्रभु से मिलने के बाद इतना और वैराग्य और अधिक तीव्र हो गया इनके हृदय के अंदर। अब दोनों ये प्लान करने लगे कि किस प्रकार से अब यहां से भागा जाए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा मैं बड़ा हूं ना, मैं पहले भाग जाता हूं। छोटे ने कहा नहीं, रूप गोस्वामी ने कहा कि ना लेकिन ना आप ना प्राइम मिनिस्टर हो, मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूं, फाइनेंस मिनिस्टर भागे काम से जाएगा, प्राइम मिनिस्टर भाग जाए ना दिक्कत होगी, तो इसलिए भैया पहले ना मेरे को भागना चाहिए। अब दोनों ही भागने की फिराक में थे, लेकिन पहले कौन भागे, तो दोनों अपने अपने रीजन दे रहे थे कि मेरे को भागना चाहिए पहले, नहीं मेरे को भागना चाहिए। लेकिन फाइनली रूप गोस्वामी जी का जो ये सजेशन था कि प्राइम मिनिस्टर के बिना काम नहीं चलेगा, फाइनेंस मिनिस्टर के बिना फिर भी काम चल जाएगा, तो इसलिए श्री रूप गोस्वामी फाइनली दोनों ने यह डिसाइड किया श्री रूप गोस्वामी वुड फर्स्ट एस्केप। तो श्री रूप गोस्वामी ने क्या किया, जो सारा भंडार था उनका धन का, उसका 50% ब्राह्मणों और वैष्णवों में बांट दिया, 25% परिवार वालों को दिया कि आपके भविष्य में आपके काम आएगा, और 25% इमरजेंसी के लिए रखा, और इसके अलावा भी 10,000 सोने की मुद्राएं रखी एक ब्राह्मण के पास कि आप संभाल के रखिए ये भविष्य में काम आएंगी ऐसा। तो इस प्रकार से श्री रूप गोस्वामी तो चलेगा। अब पीछे से श्री सनातन गोस्वामी अब अकेले हैं, अब पहले फिर भी साथ था श्री रूप गोस्वामी का, अब तो इनका साथ भी नहीं रहा, अब क्या किया जाए। तो इसलिए फिर उन्होंने क्या किया, बहाना देना शुरू कर दिया कि ना मेरी तबीयत खराब है, मैं इसलिए कोर्ट में आ नहीं पाऊंगा, मेरी तबीयत खराब है। अच्छा, तो राजा ने इनको संदेश भिजवाया कि मेरे को उड़ीसा जाना है, प्रताप रुद्र नाम का राजा है, अटैक करना है वहां पर, तो इसीलिए यू प्लीज ज्वाइन मी, टेल द स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी बनाई जाए कुछ। उन्होंने नहीं मैं आ नहीं पाऊंगा, मेरी ना तबीयत वगैरह खराब है तो मैं तो नहीं आ पाऊंगा। ठीक है जी, अब ये जो है चढ़ाई करने के लिए चले भी गए प्रताप रुद्र के यहाँ पर। अब पीछे श्री सनातन गोस्वामी जो है भागवतम सुना करते थे, इवन कुछ प्रोफेशनल स्पीकर भी होते हैं उनको बुला करके भी सुना करते थे, सुनाओ जी, कई वैष्णव सुना, किसी प्रोफेशनल स्पीकर सुना, लेकिन भागवतम सुना, भागवतम से इतना स्वाभाविक प्रेम। और श्री जीव गोस्वामी बता रहे कि उनका विशेष प्रेम इतना इसलिए भी था श्रीमद भागवतम से, रीजन बीइंग एक समय सपने में उनको आया कि एक ब्राह्मण ने आके उनको भागवतम की प्रति दी सपने में आकर के, और जब वो उठे तो अगले दिन वही सेम ब्राह्मण जो सपने में आया था, अगले दिन वो आकर के उसने सेम भागवतम की प्रति दी, वो हैरान रह गए, अरे सपने में यही ब्राह्मण आया था जिसने भागवतम दिया था, अगले दिन सुबह आया यही, फिर ये तो वही ब्राह्मण है जो सपने में आया था। उस तरह से उन्होंने फिर भागवतम पढ़ना शुरू कर दिया और एब्जॉर्प्शन के साथ। तो इस प्रकार से भागवतम वो सुना करते थे, अभी वापस भी आ गए हुसैन शाह, उन्होंने देखना शुरू कर दिया कि भाई ये तो क्या हो गया, बीमारी बड़ी लंबी चल रही है, क्या है कोरोना वायरस हुआ है, क्या है चक्कर, क्या है भाई इतना लंबा कैसे चलता है हिसाब किताब। तो उन्होंने गुप्तचर भेजे पता लगाओ कि भाई ये साखर मलिक कर क्या रहे। तो देख करके आए जी, साखर मलिक तो बड़ी खुशी खुशी बैठे हुए हैं और आंखों से अश्रु निकल रहे हैं उनके, और वो तो हरि कथा सुन रहे हैं, भागवतम सुन रहे हैं। जहां पना साखर मलिक को कोई बीमारी नहीं है, उनको एक ही बीमारी हो रखी है आजकल, कोई पंडो वंडो को बुला करके
वो पढ़ते रहते हैं, ये सुनते रहते हैं, कहते हैं अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कोई बीमारी नहीं उनको ना? ना ना नहीं, कोई बीमारी नहीं उनको। ओके, उनको बुलाया गया, आखिरी वार्निंग दी गई उनको कि तो आप मेरा साथ दो, देखो हमें कई जगह चढ़ाइयां करनी है, हमें यू आर द प्राइम मिनिस्टर। जब उन्होंने कहा नहीं देखिए मेरी ना इनमें रुचि रही नहीं है, मेरे प्राण तो मेरे फिर महाप्रभु ही हैं, तो अब मैं अब नहीं कर पाऊंगा, लास्ट चांस। कहते जी लास्ट चांस, कोई भी चांस, अब कोई चांस नहीं, अब नहीं होगा। ठीक है जी, ले जाओ इनको जेल में बंद कर दो। अब जेल में जो है इस प्रकार से श्री सनातन गोस्वामी को बंद कर दिया गया। अब उनके अंदर डेस्परेशन थी महाप्रभु से मिलने की, महाप्रभु से कैसे मिले कैसे मिले। तो श्री रूप गोस्वामी ने उनको संदेश भेजा हुआ था कि मैंने एक ब्राह्मण के पास रखवाए हुए हैं 10,000 मुद्राएं, वो आपके पास पहुंचवा रहा हूं मैं, तो ये आप घूस दीजिएगा उसको, उसका रिश्वत दे करके, और फिर आप निकल आइएगा। तो अभी जब ये जेल में थे तो वहां उसका नाम था शेख हाबू, जो कि देख रेख कर रहा था। तो शेख हाबू बोला देख मेरे को जाने देना, अरे निकलूंगा मैं सीधा मक्का मदीना जाऊंगा, और मक्का मदीना जा करके फिर मैं वहां तेरे लिए प्रार्थना करूंगा कि अल्लाह इसको स्वीकार कर लो, इसको आप स्वर्ग आप बुला लो जन्नत में, वहां इसको बेहतर होने दो आप, मैं सब तेरे लिए मैं प्रार्थना करूंगा। नहीं 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 भैया, अरे कहाँ हुसैन शाह मार देगा मेरे को। कहते अरे हुसैन शाह क्या भाई, अरे नहीं जी देखिए हम हुसैन शाह के वफादार थे हैं रहेंगे, देखिए हमें गद्दारी के लिए आप प्रेरित ना करिए, आप वफादारी भी कोई चीज होती है। तो उसके बाद है श्री सनातन गोस्वामी ने पीछे से पोटली निकाली, कहता अपना हाथ तो ला, कहते ये ले 10,000 सोने की मुद्राएं। अब कहता सर वफादारी गई हुसैन शाह को भाड़ में, आप ये बताओ निकलना कैसे, आपको बताइए। क्या देख मैं भी यार मैं भी धारावेशी बनना है मेरे को, और क्या अल्टीमेटली हमें धारावेश मतलब लाएगा मोहम्मदन डिवोटी, तो इसमें मैं तो मक्का मदीना भागना देख, और क्या तेरा ही भला हो जाएगा। कहता लेकिन लेकिन हुसैन शाह क्या जवाब दूंगा। कहता अरे कुछ नहीं कह देना भाई, इसको लघु शंका आई थी, लघु शंका के लिए देने के लिए गया था, वहां पर गंगा नदी किनारे जो है स्नान करने के लिए नदी में डूब गया, उसके बाद जो है हम तैर तूर करके हमने खूब प्रयास कर ढूंढने का, गया नहीं, और जंजीरें थी नहीं, जंजीरों के साथ ही डूब गया, जंजीरों के भार में डूब गया, लोहे की जंजीरें थी ना ऐसे बता देना, डूब गया वो। अब जो डूब गया सो डूब गया, अभी उसे मछलियां खा गई हैं, और क्या खत्म। हाँ ये तो बहुत बढ़िया है, तो आइडिया है तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आइडिया दिया तो आज तो आपने, तो उसने बिल्कुल वैसे ही किया, और इस तरह से श्री सनातन गोस्वामी वहां से भागने में सफल हुए। तो यहां बात आती है नैतिकता का पालन करना। अब देखा श्री सनातन गोस्वामी ने झूठी बोल दिया, रिश्वत भी दे दी 10,000 सोने की मुद्राएं। तो भक्त के लिए नैतिकता जो है जरूरी है, भक्त को नैतिकता का पालन करना चाहिए, लेकिन जहां नैतिकता भक्ति की आड़े आ रही होती है तो नैतिकता को किनारे कर देना चाहिए, भक्ति का पालन करना चाहिए। जब तक नैतिकता भक्ति की शरण में है, भक्ति के अनुगत है, भक्ति की सेविका है, नैतिकता जिंदाबाद। लेकिन जैसी नैतिकता आ जाए अगर आड़े भक्ति के, तो फिर नैतिकता को किनारे कर दिया जाता है जी, लाइक दैट। तो इस प्रकार से श्री सनातन गोस्वामी वहां से भागने में सफल हुए, और फिर वहां से जब वो गए तो साथ ही अपने साथ में अपने सेवक को भी लिया, ईशान को। तो ईशान ने क्या किया, इमरजेंसी के लिए रस्ते में अगर आवश्यकता पड़ी तो 8 सोने की मुद्राएं अपने पास रखी हुई थी, लेकिन श्री सनातन गोस्वामी को लग रहा था हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है भाई। तो एक जगह पहुंचे तो वहां पर एक होटल का ओनर था, रात को एक मोटल था, मतलब होता है ना जो हल्के फुल्के होटल होते हैं, वहां रुके हुए थे। अब ये जो होटल का मालिक था या मोटल का मालिक था, इसके पास एस्ट्रोलॉजर था, और एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया, अपनी कैलकुलेशन से बताया इनके पास ना 8 सोने की मुद्राएं हैं। तो यूजली होटल ओनर क्या करता था, अपने एस्ट्रोलॉजर से ज्योतिष वाले से ये बताया करता था कि भाई इसके पास अच्छा इतने पैसे हैं इसके पास, ओ तो फिर जो ठहरा हुआ व्यक्ति है उसको मरवा देगा, उसके पैसे लेके चल देगा जी। तो ये क्या करता था, तो फिर ना ये होटल का जो मालिक था ये जो है काफी चापलूसी कर रहा था, खिला पिला रहा था, बढ़िया कमरा दे रहा था। अब श्री सनातन गोस्वामी जो है पब्लिक डीलिंग में बड़े पक्के थे, उनका इतना खिला पिला रहा है, इतनी सेवा कर रहा है, जबकि हम लोग तो ये फटे हाल हालत में है, इतनी सेवा कैसे कर रहे हैं। तो ईशान से पूछा, ईशान
तुम्हारे पास कुछ धनराशि वगैरह कुछ है क्या? तो ईशान ने कहा हाँ, 7 मुद्राएं हैं मेरे पास। 8 नहीं बोली, 7। तो कहा निकालो जरा। 7 मुद्राएं दी, बॉटल के मालिक को बुलाया, कहते ये हमारी तरफ से आपको भेंट है। कहता ओ अच्छा 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 7 हैं, ठीक है। वो मेरे एस्ट्रोलॉजर से थोड़ी गलती होगी, उसने मुझे बोला था 8 सोने की मुद्राएं हैं आप लोगों के पास। चलो 7 ही हैं, कोई नहीं, लेकिन आप हमारे यहाँ रहे, बड़ा धन्यवाद। मैं सोच ही रहा था आप लोगों को मार दूंगा मैं, लेकिन अच्छा आपने टाइम से खुद ही दे दिया आपने। ऐसा होता है जो लूटपाट करने वाले होते हैं उनको खुद ही दे दो, बढ़िया रहता है वो। आपको कोई लूटपाट वाला मिल जाए ना, निकाल ले, बख्श दे बस, ऐसा करना चाहिए। सो यही उन्होंने किया, भाई लो जी 7 ले लो, मुद्राएं ले लो। अच्छा जब ये मोटल का मालिक है तो चला गया जी। फिर ईशान से पूछा, देख उसके एस्ट्रोलॉजर ने 8 बताई थी, तूने 7 दी हैं, क्या तेरे पास 1 अभी भी है क्या? कहता हाँ 1 मैंने रखी इमरजेंसी के लिए। कहते हैं इमरजेंसी ये तो इसको लेकर के वापस चला जा, मेरे साथ रहेगा तू, ये मैं कृष्ण पर निर्भर रहना चाहता हूँ, तू ये सोने की मुद्राओं पर निर्भर रहेगा, तो इसलिए तेरी मेरी आइडियोलॉजी नहीं मिलती, इसीलिए तू चले, तू चले यहाँ से। तो इसलिए ईशान को वहाँ से फिर भेज दिया। अब श्रील सनातन गोस्वामी के पास और कुछ नहीं था, एंड देन ही मूव ऑन। उसके बाद फिर ये पहुँचे अपने ब्रदर इन लॉ के पास, ब्रदर इन लॉ के पास पहुँचे हाजीपुर में, उनका नाम था श्रीकांत। उन्हें इस हाल में देखा श्रील सनातन गोस्वामी को, अरे उनका हृदय बहुत द्रवित हो गया कि ऐसा कैसे हाल हो गया आपका। उन्होंने फिर सारी कहानी बताई किस प्रकार से वो भागने में सफल हुए। उन्होंने कहा ठीक है कम से कम कपड़े तो ले लीजिए, कपड़े आपके फटे हाल है। कहते नहीं, कपड़े ठीक हैं, ये फटे हुए कपड़े ये ठीक हैं। कहते लेकिन ये आगे जाएंगे आप ना तो ठंड बहुत होगी रात को, कम से कम कंबल ले लीजिए एक अच्छा। तो एक अच्छा ऐसा कंबल दिया उन्होंने, कहते हाँ कंबल फिर भी काम आएगा, कंबल दे दीजिए। तो कंबल उन्होंने अपने कंधे पे लिया और चल दिए। तो उसके बाद फिर महाप्रभु से मिलने के लिए जब ये पहुंचे, तो इनका विचार था कि मैं वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन में महाप्रभु से मिलना होगा। तो लेकिन उसके बाद इनको पता चला कि महाप्रभु तो इस समय काशी में है, वाराणसी में, तो वहां की ओर बढ़ गए। तो वहां उनको पता लगा महाप्रभु काशी में वाराणसी में है और चंद्रशेखर आचार्य हैं उनके यहां पर है। तो घर के बाहर रहे, नॉक भी नहीं किया बाहर है कि महाप्रभु आएंगे तो उनके दर्शन होंगे, नॉक भी नहीं किया। और महाप्रभु जब भक्तों को संबोधित कर रहे थे तो भक्तों, तो महाप्रभु ने कहा कि जाओ बाहर देख करके आओ, एक भगवान का शुद्ध भक्त आया है। चंद्रशेखर आचार्य बाहर गए देखने के लिए, देखा ये तो मुल्ला साहब बैठे हुए कोई आधा आधा नहीं, कोई नहीं है अंदर। महाप्रभु बाहर तो कोई भक्त नहीं है, मैं कहा चला गया होगा वो। नहीं है बाहर कोई भी नहीं, हम अच्छे से देख करके आए। मैं देखा नहीं है, महाप्रभु ने कहा बाहर एक डिवोटी है। तो बाहर एक डिवोटी है, तो फिर उसका महाप्रभु खुद उठ करके बाहर आए और फिर श्री सनातन गोस्वामी वहां बैठे हुए थे। तो उनको देख करके उनका आलिंगन किया, सारे भक्त देख के हैरान रह गए, भाई ये मुल्ला साहब कौन है जो कि शुद्ध भक्त हैं, जो कि महाप्रभु जिनको इस तरह से आलिंगन कर रहे हैं। लेकिन सनातन गोस्वामी अपने को छुड़ा रहे थे कि मैं तो अब दूषित हो चुका हूँ, एक ऐसे व्यक्ति की मैंने सेवा की जिसने मंदिर तोड़वाए हैं, हिंसा की है, ब्राह्मणों को मरवाया है। तो बड़ा हृदय के अंदर जो है उनको बड़ा दुख हो रहा था कि अरे ये महाप्रभु ने कहा स्वयं भगवान मेरा आलिंगन कर रहे हैं, ये ही वॉज नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। लेकिन महाप्रभु उनका आलिंगन किया, उनका स्वागत किया, उन्होंने कहा ये हैं शुद्ध भक्त। भगवान के भक्त को कभी भी हम बाहर से नहीं पहचान सकते, बाहर से वो कैसा दिखता है, बाहर से बस सूरत दिखता है, अच्छा दिखता है, समझदार दिखता है, देशी दिखता है, विदेशी दिखता है, ये इन सब चीज़ों से जो है भक्त नहीं जाना जाता, बाहर से हम भक्त को नहीं पहचान सकते। जैसे कि डिवोटी कोई कोई बनने आया भक्त होता है ना, अवधूत जैसा होता है वो, उसकी हरकतें अवधूत जैसी होती हैं, ना ये भक्त ठीक नहीं लग रहा मेरे को, हम लोग जज नहीं कर सकते। कम से कम मध्यम वैष्णव होना पड़ता है ये देखने के लिए कि ना सामने वाला कितना गहरा भक्त है। तो महाप्रभु उनका आलिंगन किया और चंद्रशेखर आचार्य को कहा कि इनको धोती दीजिए, इनका हेड शेव वगैरह करिए। तो उन्होंने हेड शेव किया, शिखा रखी, उनकी दाढ़ी वाड़ी ये सब शेव वगैरह की और इस प्रकार से उनको धोती दी गई। और धोती दी तो धोती का उन्होंने क्या किया, 2 हिस्से किए, एक ही धोती की 2 धोतियां बनाई और फिर दोनों में से फिर कोपिन में निकाला। तो एक नीचे का वस्त्र आया, एक ऊपरी वस्त्र आया, उतरी आई एंड कोपिन, दैट्स इट। इस प्रकार से श्री सनातन गोस्वामी नाउ ही वाज फीलिंग लाइक यस वैष्णव। तो महाप्रभु ने जब उनको इस विवेश में देखा, दाढ़ी भी नहीं है अब उनकी, अब हेड शेव कराया हुआ है, शिखा निकली हुई है, महाप्रभु वाज वेरी हैप्पी।
तो महाप्रभु से जब भी मिलने के लिए आते थे, प्रणाम करते थे, तो महाप्रभु उनके इस वेश को देखते थे और उनके कंधे पे जो कंबल है उसको देखते थे। और सनातन तुम ठीक हो, प्रसाद पाया तुमने, बार बार नजरें कहाँ जाती, कंबल के ऊपर। कहते भक्त तो है हम्बल लेकिन रखा हुआ है कंबल। तो फिर ना सनातन गोस्वामी देखते बार बार महाप्रभु की नजर है इस कंबल की ओर जा रही है बार बार। समझ गए वो महाप्रभु इसको लेकर कंफर्टेबल नहीं है। महाप्रभु भक्त गणे कंबल प्रधान ना वैराग्य प्रधान। तो इसलिए वो गए एक धोबी के पास, गए धोबी को प्रणाम किया, कहे धोबी जी आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारी। कहते हाँ जी बताइए। कहते ये जो आपका फटा हुआ कंबल है ये आप इस कंबल के बदले लेंगे? धोबी को लगा भाई ये कोई अवधूती इंसान है, इतना बढ़िया कंबल जिसका मतलब गोटा वोटा उसमें लगा हुआ है, चमकीली झालर वालर लगी हुई है उसमें, अरे उसके बजाय फटा हुआ लगा। आर यू श्योर? दैट इज ट्रू 100% श्योर। उसके बाद जो है वो कंबल दिया जो उनको उनके ब्रदर इन लॉ से मिला था, और ये फटा कंबल लिया और ये लेकर फिर महाप्रभु के पास आया, प्रणाम किया। महाप्रभु ने कहा अब मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। तो इसीलिए दैट इज डिवोटीज का एक्सटर्नल जो है अपीयरेंस वो भी जरूरी है। अरे कुछ तो बोलते देखिए भाव को देखिए, भाव भाव नो डाउट भाव तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ में वो व्यक्ति भी होना चाहिए आउटसाइड भी। हम लोग प्रीचिंग में है तो इसलिए हम लोग फटे हुए कपड़े नहीं पहनते, मतलब ठीक ठाक कपड़े पहनते हैं, मतलब बहुत चमकीले धमकीले नहीं पहनते, सिल्कन कपड़े नहीं पहनते हम लोग। कुछ कभी कभी पहनना पड़ता है बहुत बिकॉज ऑफ प्रीचिंग रीजंस, पर अदरवाइज हम फटे कपड़े वगैरह वैसे नहीं पहनते। लेकिन जो भजनानंदी भक्त हैं ऐसे भक्त फटे हुए कपड़े भी पहन लेते हैं, इन द सेंस उनको कपड़े का होश नहीं रहता, ऐसा नहीं कि डेलिबरेटली फटे कपड़े पहने हैं कि लाओ कैंची लेके आओ जरा, अब मैं धीरे धीरे दिख रहा हूं, अब नाउ आई एम डिवोटी, ऐसा नहीं। पर हाँ अब यूज करते करते जो है आप भक्ति कपड़े अब फट गए थोड़ा सा, फट गए थोड़ा सा यहाँ से अब हो गया थोड़ा सा, मान लो खटमल था वो घुस गया वहाँ से, तो दैट वे ऐसा तो चलता है। और लेकिन वैसे प्रीचिंग में जो लगे हुए हैं भक्त उनको फटे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उनको अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। स्पेशली प्रीचिंग के लिए जाएँ तो पड़े कपड़े जो हैं वो प्रेस भी होने चाहिए जी, जैसे रक्षा बाबू की इज वेरी वेल मेंटेन एंड वेरी गुड, तो दैट वेज ऐसा रखना चाहिए। तो फटे हुए कपड़े जो है ऐसा वैराग्य लक्षण नहीं है, लेकिन हाँ जो भजनानंदी वैष्णव है वो ऐसा करते हैं, दैट दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट क्लोथिंग, उनको ऐसी चिंता नहीं रहती ऐसा। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने जब देखा कि श्री सनातन गोस्वामी इज नाउ लिविंग वेरी हम्बली, और उनका जो कंबल था जो कि जिसको देखकर महाप्रभु बार बार नजर उस पर जा रही थी, नाउ ही वॉज वेरी कंफर्टेबल, हाँ श्री सनातन गोस्वामी इज नाउ हैज गिवन अप दैट लास्ट टोकन ऑफ अटैचमेंट एज वेल। तो इस प्रकार से उनको उनको इस रूप में देख करके महाप्रभु वाज वेरी हैप्पी। उसके बाद फिर महाप्रभु ने उनको फिर आदेश दिया कि आपको वृंदावन जाना है और वृंदावन में आपको करना क्या है। तो पहले इंस्ट्रक्शन थी कि जितने भी होली प्लेसेस हैं वहां पर उनको ढूंढना है। तो वहां पर हालांकि भूगर गोस्वामी और बाकी और सुबुद्धि रॉय ये सब वैष्णव वृंदावन में ऑलरेडी रह रहे थे, और उन्होंने कुछ जो लीला स्थलियां थी वो पहले से पता लगा ली थी वैसे तो कुछ लेकिन सारी नहीं। तो श्री सनातन गोस्वामी को उनको जा करके ज्वाइन करना था कि और जो लीला स्थलियां हैं उनके बारे में पता करना। दूसरा है शास्त्रों को लिखना, विशेष रूप से गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले शास्त्र, और श्रीमद् भागवतम के ऊपर उन्होंने कमेंट्री दी, बृहद वैष्णव तोषणी, ओके, और ये तो ये कमेंट्री भी दी। साथ साथ में डे टू डे लाइफ में क्या क्या रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए इसके लिए लिखा, हरि भक्ति विलास ये इंस्ट्रक्शन मिली थी उनको। साथ ही इंस्टॉलेशन ऑफ डीटीज जो है विग्रह को इंस्टॉल करना, और जहां पर हो सके विग्रहों के साथ साथ मंदिरों को भी इंस्टॉल करना, तो लाइक ये उनको अब इंस्ट्रक्शंस मिली हुई थी महाप्रभु से। और साथ ही जो कोई भी भक्त कभी वृंदावन में आते हैं तो उनको गाइडेंस देना, उनका मार्गदर्शन करना, ये उनको आदेश दिया महाप्रभु ने। तो ऐसा आदेश प्राप्त करके श्री सनातन गोस्वामी वृंदावन चले गए। तो हालांकि जाने से पहले उन्होंने महाप्रभु को आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा कि आपने इतनी सेवाएं दी हैं, ये सेवा मैं तभी पूरी कर पाऊंगा जब आपका आशीर्वाद होगा, तो मैं चाहता हूं कि आपके जो चरण है वो मेरे शीश पे रख दीजिए। महाप्रभु ने क्या कि अपने हस्त कमलों को लिया, उनके सर पर रखा, उनको आशीर्वाद दिया, उनसे आशीवाद दे करके फिर श्री सनातन गोस्वामी वृंदावन की ओर बढ़ गए। तो अब महाप्रभु से आशीर्वाद प्राप्त करके श्री सनातन गोस्वामी जब वृंदावन में गए, तो नाउ वृंदावन में ही वाज नाउ वेरी फेमस एज सनातन बाबा। और आज भी जो है वहां पर ऐसा रहता है कि श्री सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिवस होता है,
तो ब्रज में जितने ब्रजवासी हैं अपना केश मुंडित कराते हैं, बिकॉज उनका रहता था कि वो सबकी समस्याओं का समाधान क्या करते थे, ना सिर्फ आध्यात्मिक भौतिक वाली भी, इवन सास बहु के झगड़े, पति पत्नी के झगड़े, बच्चे कहना नहीं मानते, इवन ऐसी समस्याओं का समाधान भी करते थे। तो इसलिए ब्रज में ही वॉज वेरी फेमस है सनातन बाबा। तो भक्तों को कभी भी ये भी काम करना होता है, कभी लगता है कि ना कि भी ये हमें तो सिर्फ स्पिरिचुअल प्रॉब्लम जो है उनको सोल्यूशन देना चाहिए। आप देखिए आप करियर वेरियर के बारे में हम क्या हेल्प कर सकते हैं, पर एक्चुअली काउंसलिंग का मतलब ये भी होता है, काउंसलिंग का मतलब उसकी जो डे टू डे लाइफ की उलझने हैं उसमें भी उसको हेल्प करना। अब वो स्पिरिचुअल काउंट हो जाती है, रीजन भी वो भक्ति में अवरोध उत्पन्न कर रही है ना, इसीलिए। तो इसीलिए किसी भक्त को अगर या किसी व्यक्ति को अगर शारीरिक भी कोई दिक्कत है तो उसको सुलझाना, या पति पत्नी हैं आपस में चैंटिंग करते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा अनबन रहती है तो उसको सुलझाना, बच्चे करने वाती या बिजनेस में कोई दिक्कत है, तो दैट इज जब होलिस्टिक केयर होती है दैट इज एक्चुअली काउंसलिंग। तो इस प्रकार से श्री सनातन गोस्वामी वो ट्रबल शूट ऑल द प्रॉब्लम्स इन ब्रज। तो सभी जानते थे अगर कोई प्रॉब्लम है सनातन बाबा, सनातन बाबा। तो इस तरह से श्री सनातन गोस्वामी का वहां बहुत यश था ब्रज के अंदर। और फिर एक समय ऐसा हुआ महाप्रभु से मिलने की बड़ी तीव्र उनकी इच्छा थी श्री सनातन गोस्वामी की, तो उन्होंने सोचा कि ना मुझे जाकर के जगन्नाथपुरी में महाप्रभु से मिलना चाहिए, नीलाचल में जाकर के। उन्होंने ऐसा प्लान बनाया। अब क्योंकि झारखंड के फॉरेस्ट से आ रहे थे वो, अब झारखंड के फॉरेस्ट से आते हुए कुछ जगह पर अब खाने को प्रॉपर मिला नहीं मिला, तो ऐसे कुछ जो है जंगली पौधा उन्होंने गलती से पा लिया जिसकी वजह से उनकी बॉडी में हो गया एक्जिमा। अब एक्जिमा हो गया जिसकी वजह से उनकी बॉडी में पस और पस निकल रही है, जहां जहां एक्जिमा और रखा वहां से पस निकल रही है। अब वो सोचते थे अब ये इस एक्जिमा वाला शरीर लेकर के मैं कैसे जाऊंगा, मैं महाप्रभु से कैसे मिलूंगा मैं। तो ये सोच के जो है वो भाव ये हो रहे थे कि मुझको महाप्रभु से मिलना था लेकिन ये शरीर तो पस वाला हो रखा है। तो वो ये सोचे हुए थे कि ना अब ये रथ यात्रा जब आएगी ना, रथ यात्रा के समय में अब ये जगन्नाथ जी का रथ निकलेगा, उसमें रथ के पहिए के नीचे सर दे दूंगा और इस तरह शरीर त्याग दूंगा, क्योंकि ना अब ये शरीर जो है भगवान की सेवा के लायक नहीं रहा, ऐसा उनका विचार बना हुआ था। तो महाप्रभु आए उनके पास, महाप्रभु ने आकर के उनका आलिंगन किया और वो छुड़ा रहे अपने आप को महाप्रभु से, नहीं महाप्रभु मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए महाप्रभु, मेरे शरीर पस है, आपका दिव्य शरीर है या आपकी स्वर्ण कांति वाला दिव्य रूप, नहीं इस पर पस नहीं लगनी चाहिए। लेकिन महाप्रभु ने उनको कस के जप्पी पाली, कस के जप्पी पाके उनकी जो पस थी वो सब महाप्रभु के शरीर पर लगने लगी। अब ये देख करके इतना आत्मग्लानी हो रही श्री सनातन गोस्वामी को कि मेरे शरीर की पस महाप्रभु के शरीर पर लग रही है। अब तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये मैं कितना सहूंगा इस बात को, कैसे इस बात को मैं सहूंगा कि हमेशा महाप्रभु आते हैं और महाप्रभु आकर मेरा आलिंगन करते हैं और उनका पस जो है मेरी शरीर की उनके शरीर पर लगती है, तो हमेशा उनको आत्मग्लानी होती। तो ये भी सोचा करते थे कि मैंने जो है हुसैन शाह के यहाँ काम किया तो इसलिए मैं जगन्नाथ मंदिर में जाने का प्रवेश के लायक नहीं हूं। तो फिर वो नामाचार्य हरिदास ठाकुर के पास थे वो, तो महाप्रभु ने कहा कि आप हरिदास ठाकुर के पास ही रहिए, जब तक आप यहां पर हैं आप हरिदास ठाकुर जी के पास ही रहिए, लेकिन हमेशा महाप्रभु जब भी आएंगे हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए, क्योंकि हरिदास ठाकुर से अच्छा प्योर डिवोटी, कि अगर वो जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं करने जा पा रहे अगर इन इज ह्यूमिलिटी, तो भगवान खुद उनको दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। तो अब श्री सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए आया करते थे महाप्रभु और उनका आलिंगन करते, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं अब मेरे को ना जल्दी से जल्दी आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो रथ यात्रा जो थी अब आने वाली थी, तो महाप्रभु ने बोला सनातन अगर आत्महत्या करके भगवान मिलते होते मैं सैकड़ों बार आत्महत्या कर लेता, लेकिन आत्महत्या करके भगवान प्राप्त नहीं होते, भक्ति करके भगवान प्राप्त होते हैं। और तुम अगर ये विचार कर रहे हो कि आत्महत्या करके अपना शरीर तुम इसको स्खलित कर दोगे, इसको नष्ट कर दोगे, ये शरीर तुम्हारी संपत्ति नहीं है, तुम्हारा शरीर मेरी संपत्ति है और मेरी संपत्ति को नष्ट करने का तुमको कोई अधिकार नहीं है। अब सनातन गोस्वामी हैरान रह गए कि मैं आत्महत्या करने वाला हूं, ये तो मैंने कभी किसी से शेयर ही नहीं किया मैंने, तो ये बात महाप्रभु को कैसे पता लग गई। तो लेकिन ये तो प्रभु है भाई। मैंने कहा महाप्रभु आपसे क्या छुपाएं, आपको तो सभी कुछ पता है, तो क्योंकि अब आपका ऐसा निर्देश है तो ठीक है मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। लेकिन महाप्रभु जो है रोज मिलने के लिए आते थे हरिदास ठाकुर जी से, और रोज मिलेंगे और रोज आलिंगन करेंगे। अरे
लेकिन आलिंगन करेंगे तो पस जो है महाप्रभु लगेगी। तो इसलिए बहुत ही गिल्टी रहते, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो ऐसे एक समय क्या हुआ, जो उनकी पस थी वो अभी तो ठीक हुई नहीं थी। तो एक समय ऐसा हुआ, महाप्रभु ने क्या किया, उनको आमंत्रित किया कि उनसे मिलने के लिए आए वो। अब उन्होंने सोचा मैं अब महाप्रभु से मिलने का जो रास्ता था, सिंह द्वार से जाए तो स्ट्रेट रास्ता है बिल्कुल, लेकिन वहां से जो है जगन्नाथ जी के जो पंडे हैं वो आते हैं जाते हैं, जगन्नाथ जी का भोग लेकर के जाते हैं आते जाते हैं। तो विनम्र भाव में ये सोच करके कि मेरा शरीर उनको स्पर्श हो गया तो जगन्नाथ जी की सेवा खराब हो जाएगी, तो इसीलिए उन्होंने लंबा लंबा रास्ता किए लिया जो कि समुद्र तट से होता है, जो कि वहां रेत बिछी हुई है। और गर्मी के समय में तपती हुई धूप के अंदर जब इतनी गर्म होती है रेत, वहां पर जो है उस रेत से चलते हुए महाप्रभु के पास आए। लेकिन महाप्रभु से मिलने की इतनी तीव्र उत्कंठा थी उनके अंदर कि उनके पांव जल रहे हैं इस बात का उनको आभास तक नहीं हुआ, लेकिन उनके पांव में जो छाले पड़े हुए थे, अब मोटे मोटे छाले पड़े हुए हैं, अब शरीर में पस भी है, पांव में छाले ही पड़े हुए हैं। तो इसलिए जो अब उनको बड़ा गिल्ट था, मैं क्या करूं, महाप्रभु आते हैं आलिंगन करते हैं मेरा। तो फिर वो जगदानंद पंडित से मिले। जगदानंद पंडित है कौन, कृष्णलीला में सत्यभामा, सत्यभामा का भाव आपको बताइए किस तरह का भाव उनका है। कहते हैं मैं क्या करूं, महाप्रभु आते हैं मेरा आलिंगन करते हैं, मुझको ना बहुत आत्मग्लानी होती है। जगन्नाथ पंडित ने कहा देखो इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल है, चुपचाप वापस वृंदावन चले जाओ और क्या, यहां रहोगे तो आलिंगन होगा ही होगा, वृंदावन चले जाओ वापस। तो फिर श्री सनातन गोस्वामी जो है महाप्रभु के पास कहते हैं मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वृंदावन वापस जाना चाहता हूं। कहते हैं वृंदावन जाने का ऐसे प्लान कैसे बन गया। कहते हैं वो जगदानंद पंडित जी है ना, वो उनसे मैंने सलाह मशवरा लिया था, उन्होंने कहा कि देखो सोल्यूशन तो यही है, आप वापस वृंदावन चले जाओ। कहते वो जग्गा, उस जग्गे की ये हिम्मत कि तुमको उसने सलाह दी कि वृंदावन चले जाओ, होता कौन है वो। जब भी देखो उसका भाव यही है, जब भी देखो उसका भाव यही है उस जग्गा का। अगर कोई मुझे तेल देने वाला आ जाए कि ये महाप्रभु का तेल है, ये जो चंदन का तेल, और मैं मना कर दूं ये पटक के मार देगा, उसने तुमको ऐसे बोल दिया, मैं बहुत डांट लगाऊंगा उसको। तो ये देखकर श्री सनातन गोस्वामी जो है बोले धन्य है जगदानंद पंडित जो है वो धन्य है कि आपका उनसे इतना करीबी, इतना नजदीक आपका रिश्ता है, इतनी आत्मीयता है आपके रिश्ते के अंदर कि आप उनको डांट लगाने के लिए तैयार हैं, आप उन पर क्रोधित होने के लिए तैयार हैं, कितना ज्यादा घनिष्ठता है आपके संबंध के अंदर। आप हम सबको तो बड़ा सम्मान देते हैं, बड़ी औपचारिकता वाला रखते हैं हमारे से संबंध, लेकिन जगदानंद पंडित जो है कितना सौभाग्य है उनका कि आप उनके ऊपर क्रोधित भी होते हैं, उनको डांट भी लगाते हैं। जय हो जगदानंद पंडित की, कितने कितने आत्मीयता है आपके आपके साथ उनके संबंध में। वाह, तो महाप्रभु थोड़े शांत हुए, कहते नहीं नहीं ठीक है, वो मुझे बहुत प्रिय तो है, लेकिन ये लेकिन वो अपने कार्य बीच में जरूर करता है, वो सोच कैसे लिएगा तुमको सलाह दे कि तुम वृंदावन वापस ले जाओ, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तुम तो मेरे मुझको मेरे प्राण से प्रिय हो सनातन, ये क्या कैसे दिया, मैं जाकर उसको डांट लगाऊंगा। लेकिन महाप्रभु मुस्कुरा भी रहे थे। लेकिन तो जगदानंद पंडित के साथ जो है इस तरह से बड़ा, इवन श्री सनातन गोस्वामी के साथ बड़ा आत्मीयता का संबंध है जगदानंद पंडित का। एक समय श्री सनातन गोस्वामी ने ऑरेंज रंग की ना पगड़ी पहनी हुई थी, तो जगदानंद पंडित ने कहा ये पगड़ी कहां से लेकर के आए। तो बताया ये ना एक वो कोई मधुसूदन सरस्वती है उनसे ये पगड़ी मिली मेरे को, अवसर में एक कपड़ा दिया था महाप्रभु ने, कहते वो मधुसूदन सरस्वती करके। कहते कौन, कहते मधुसूदन सरस्वती। कहते अच्छा, तो अभी ना पास एक पानी का घड़ा पड़ा हुआ था वो देख के मानने लगे, तो ये जब उन्होंने घड़ा उठाए हुए थे तब इसलिए सनातन को सब मुस्कुरा दिए, उनकी मुस्कान देखे ना उनको लगा ही नहीं कुछ गड़बड़ है भाई। कहते हैं कौन दिए, महाप्रभु दिए ना। कहते हैं हाँ ये महाप्रभु दिए। ले इसलिए सनातन को स्वामी ने कहा जगदानंद पंडित आपकी तो चैतन्य निष्ठा पूजनीय है, मैं तो जानबूझ के दूसरा नाम लेता कि अभी आप क्रोधित होंगे, वो क्रोध में जो आपका प्रेम है ना वो देखने का मैं दर्शन करने का मन था मैं। कहते अरे ऐसा मजाक मत किया करो, अगर मैं तुम्हारी मुस्कान नहीं देखी होती फेंक के मार दिया होता तो। कहते कोई नहीं, आपके हाथ से तो आशीर्वाद मिलता है हमें, तो आप इतने प्रिय हैं महाप्रभु के। कहते नहीं ऐसा मजाक मत किया करो। एंड देन उसके बाद जगदानंद पंडित ने श्री सनातन गोस्वामी का आलिंगन किया। तो जब ये महाप्रभु पास जब आए, अभी जब जब सारा इंसिडेंस चल रहा था उसके बाद फिर महाप्रभु ने क्या किया,
कि नहीं अभी आप यहीं पर रहो, एक साल पूरा तो आप यहीं पर रहो। उन्होंने कहा लेकिन महाप्रभु मुझे बहुत आत्मग्लानी होती है, आप इस तरह से मेरा आलिंगन करते हैं और मेरी पस आपके शरीर को लगती है। तो महाप्रभु जो है फिर से गए, उनका आलिंगन किया और फिर से आलिंगन करके कहते अरे महाप्रभु मैंने अभी तो बताया आपको आलिंगन करते मुझे आत्मग्लानी होती। कहते अरे आपका आलिंगन, मुझे अपने प्रिय भक्तों का आलिंगन करना बहुत अधिक पसंद है। और उनका आलिंगन किया और आलिंगन करके उनके शरीर की सारी पस जो थी वो ठीक कर दी। कहते अब आप इस स्वस्थ शरीर के साथ यहाँ पर आप रहिए और एक साल कम से कम आप यहाँ रहिए और मुझसे मिलते रहिए। इस तरह से महाप्रभु का सारे दोनों ने एक साल प्राप्त किया और फिर महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करके एंड देन ही लेफ्ट, ही वेंट बैक टू वृंदावन धाम। तो वृंदावन में गए, वृंदावन में ना वहां पर उनको पता लगा कि ना एक बहुत ही अच्छे भक्त है, उनका नाम है दामोदर चौबे और उनके पास ना बड़े ही सुंदर विग्रह हैं। वैसे मधुकरी क्या करते थे, और मधुकरी वैसे का मतलब होता है मधु, जैसे मधुमक्खी होती है ना वो हर एक फूल से थोड़ा थोड़ा रस लेती है, ऐसा ऐसा नहीं कि एक ही फूल बैठ करके उसका सारा रस चूस करके उसको जो है मुरझा दे, ऐसा नहीं करती वो, सबसे थोड़ा थोड़ा लेती जिससे कि ना फूल को भी दिक्कत नहीं होती। तो मधुकरी यही होती है भाई, मधुकरी मांगना होता है कि अब एक चौथाई कि एक चौथाई रोटी मिल जाए सब जगह से, ऐसा ऐसे नहीं घरे बैठ गए वो फीस पे फीस बंदे का पूरे महीने का बजट खराब कर दे, नहीं ऐसा नहीं करना होता। मधुकरी में होता है कि सब जगह थोड़ा, सब जगह से थोड़ा थोड़ा मिलना लेना होता है मधुकरी में, वैसा होता है। अब तो मधुकरी में लोग मांग भी रहते हैं और एक रोटी और दे दो ना, पराठा नहीं है छाछ और दे दो, मधुकरी में नहीं होता। मधुकरी बस आपको हाथ फैलाना होता है जो मिल जाए, इस तरह करके होती है मधुकरी। तो मधुकरी क्या करते थे वो, तो मधुकरी करते करते जो है एक समय दामोदर चौबे नाम के जो भक्त थे उनके उनके यहाँ पहुंचे। उनके यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ना उनके यहाँ पर उनका बेटा है सदन और साथ में एक और छोटा बेटा भी है उसका नाम मदन, और मदन और कोई नहीं थे मदन गोपाल। अब जो घर में चौबाइन थी यानी कि दामोदर चौबे जी की वाइफ, ये तो भाई ये तो सदन और मदन दोनों को अपना बेटा मानती थी और जिस तरह से सदन को खिलाती थी वैसे मदन को खिला दिया करती थी, चपाती के लिए इसको खिलाई, चपाती के लिए इसको खिलाई, दोनों खिला दिया। अब ये जब देखा उन्होंने अरे कमाल की बात है, तो वो खीर बना दिया है, दर्शन देखते हुए थे मदन को, देखते थे इतना सुंदर मदन और चौबाइन है दातन चुबा रही, खीर है खीर में वही घुमा भी दिया उसने और ये खीर जहां सदन को भी खिला दी मदन को भी खिला दी। ये तो सनातन गोस्वामी ने कहा ये तो भाई तो शिष्टाचार का पूरी तरह उल्लंघन है, ये तो भाई विधि विधान होता है भोग लगाने का, ये कोई तरीका है, उसी में घुमा भी दिया। तो उन्होंने कहा देखिए माता जी बुरा मत मानेगा, आपका भाव होगा माँ वाला भाव होगा, सदन के लिए रखिए सदन अच्छा है, लेकिन मदन है ना ये मदन कोई साधारण नहीं है, ये भगवान है, ये पांच रात्रि की विधि के जो है अनुसार ये पूजा अर्चना होनी चाहिए, भोग ऐसे लगता है, ये मंत्र उच्चारण होते हैं उनके नौ महावदन्या ये सब सब होता है, सब ये मंत्र मंत्र होते हैं पूरे। ओ अच्छा 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 भाई क्षमा कर दीजिए हमको पता नहीं था, क्षमा कर दिया हम आज से ध्यान रखेंगे हम। उसके बाद उन्होंने मदन को जो है रख दिया ऑल्टर में रख दिया, भाई आज से मदन तो यहाँ रहेगा सदन आज से बसते रह लिया भाई। उसके बाद फिर उनको भोग लगाना तुलसी पत्र के साथ, उसके बाद नवो ब्राह्मण देवाय को ब्राह्मण देता है। तो मदन ने कहा अरे मैया पहले कितना अच्छा चल रहा था सब कुछ, ये कौन आके बोल गया, कहते वो सनातन बाबा आए थे ना। कहते अरे सनातन बाबा ये क्यों कर दिया आपने ऐसा। उन्होंने कहा नहीं मुझे आप वैसे ही खिलाओ ना। तुमने कहा लेकिन वो सनातन बाबा बोल गए थे, देखियो हम तो वैष्णव का जो आज्ञा उसका उल्लंघन हम कैसे कर सकते हैं, अब क्या करें। अब ये जो है अब लेकिन श्री सनातन गोस्वामी को इतने पसंद थे मदन गोपाल जी, इतने सुंदर विग्रह हैं। तो मधुकरी ये बहाने आया करते थे भवित विक्षाम देही, लेकिन होता था बस देख दर्शन कर लें दर्शन हो जाए। तो फिर वहाँ भगवान की जब इच्छा होती है तो भगवान की इच्छा फिर है शिला सनातन गोस्वामी के पास जाने की। तो एक समय फिर चौबाइन जो है जब इनके घर मधुकरी करने के लिए आए तो शिला सनातन गोस्वामी को बोल दी कि ना हमारा मदन ना बड़ा हो गया है, अब हमसे संभलता नहीं है अब, तो इसलिए मुझे बोल रहा था कि अब वो सनातन बाबा आते हैं ना उनको दे दो मेरे को, तो इसलिए हम चाहते हैं कि अब आप ही इनकी सेवा करें।
अब हालांकि औपचारिकता के तौर बोल दी, नहीं 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 आप ही करिए सेवा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अंदर से नहीं 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 यार ले ही ले भाई, अभी मौका है। तो अंदर तो सनातन गोस्वामी जी की पूरी इच्छा हुई थी, अब मदन गोपाल जी आ रहे ले लो, तो बाहर से औपचारिकता के तौर बोले थे कि देख लीजिए वैसे आप कर भी सकती हैं सेवा, वैसे अच्छी सेवा कर रही हैं। कहा नहीं 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 कहता नहीं नहीं फिर ठीक है ला लाइए फिर देख लीजिए, फिर कोई बात नहीं देख लीजिए। इस तरह से इनके पास ही मदन गोपाल जी के विग्रह आ गए, जिनका बाद में नाम पड़ गया मदन मोहन करके, तो इनका नाम इस तरह से मदन गोपाल था। अब मदन गोपाल जी की सेवा करते थे, भजन करेंगे तो भजन में लीन है, तो और महाप्रभु से आदेश मिला हुआ है, लीला से ढूंढनी है, थोड़ी वह मधुकरी करनी है, जो पत्ते वत्ते होते हैं पेड़ों के वो थोड़े उबालने हैं उन, और साथ में अगर कोई चपाती मिल गई सूखी तो ठीक है, नहीं तो उबले पत्तों के साथ ये दे दिया। ये लीजिए मदन गोपाल जी भाई कहते, अरे भाई कहाँ पर हमें खीर मिला करती थी, भोग मिला करते थे, ये तो डिमोशन हो गई हमारी तुम्हारे पास आकर के। कहते देखिए अब जो है यही है। कहते अरे यही है, कम से कम नमक तो दे दो, ये पत्ते उबाल करके खिला देते हो मेरे को, ऐसा कैसे, नमक तो लाओ। कहते हाँ बाप आज नमक मांग रहे हो कल पनीर मांगोगे, मैं कहाँ से लेकर के आऊँगा, मैं भिक्षुक हूँ मैं तो, मैं कहाँ से लेकर के आऊँगा। तो इसीलिए देखो मुझे आप ही का रूप है महाप्रभु, उनसे आदेश मिला हुआ है, मैं तो सेवा में बिजी हूँ, तो इसीलिए अब आप देख लीजिए आपकी आपको आपको करना अपना बंदोबस्त खुद कर लो, मैं तो आपका भजन में लीन हूँ मैं तो। अब हालांकि शुद्ध भक्त है, अब ये बहुत आत्मीयता है, वास में जो चौबाइन थी ना वो भी बहुत एडवांस डिवोटी थी, ऐसे नहीं वो सहजिया थी, वो तभी तो भगवान उनके यहाँ खुश थे, सहजिया के यहाँ भगवान कभी खुश नहीं होंगे, वो भी रागानुग भक्त थी वो भी। तो उस प्रकार से अब ये भी बहुत उन्नत भक्त हैं, तो लवंग मंजरी है तो इसलिए अब भगवान इनके पास थे, उन्होंने कहा लवंग तो लवण का कहीं ना कहीं से बंदोबस्त किया जाए। उन्होंने कहा देखिए मैं कहाँ से लेकर के आऊँगा, आपको जो करना है आप अपना खुद ही अपना बंदोबस्त कर लो आप, मैं तो आपके भजन में बिजी हूँ। तो ये भी आत्मीयता है उनके भगवान के साथ। तो हुआ क्या, अब उनकी इच्छा तो है लेकिन करने के लिए कहाँ से लेकर के आए। तो तभी क्या हुआ, कुछ समय बाद वहाँ से ना एक मर्चेंट जा रहे थे आगरा की ओर नमक बेचने के लिए, लेकिन ये जो आदित्य टीला है जहाँ पर कि अब ये भजन क्या करते थे, अब पहले जो यमुना नदी यहाँ तक भाग करती थी, अब तो यमुना नदी काफ़ी आगे और हो गई है, तो वहाँ जो है रेत में उनकी फंस गई नाव, बड़ा खींचने का प्रयास किया लेकिन खींच नहीं पा रहे उसको, क्या किया जाए, अरे कोई है कोई मदद करे भाई कोई है कोई है। तो दूर देखा आदित्य टीला के पास एक दिया जल रहा है, हाँ लगता है वहां कोई होगा, हाँ वहां चलता हूँ। तो वहां पहुंचे तो श्री सनातन गोस्वामी जो भजन कर रहे थे उनके पास पहुंचे, बोले कि ना मेरी ये नाव फंस गई है, तो इसलिए ये नाव फंस गई, अगर आप मेरी मदद करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। श्री सनातन गोस्वामी ने कहा देखिए मैं तो भजन कर रहा हूँ, सखी मदद करने वाले तो मदन गोपाल जी हैं, आप इनसे प्रार्थना कर लो तो ये आगे मदद कर देंगे। तो उन्होंने कहा देखिए प्रभु मेरी मदद कर दीजिए, इस ये जो पूरी बोट है इसको मुझे वहां पहुंचाना आगरा, तो इसीलिए कृपा करके इस बोट को निकाल दीजिए, जितना प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट से मैं आपका सुंदर सा मंदिर बनाऊंगा। अब ये बोल करके प्रार्थना करके जब गया तो बोट निकल भी गई और ये चले भी चल दिए गए वहां पर, खूब अपना बेचा बूचा अपना नमक वगैरह जो बाकी सामग्री थी जो प्रॉफिट हुआ वो लेकर के आए, फिर मदन गोपाल जी का सुंदर सा इन्होंने मंदिर बनाया। और उसके बाद से कहीं मदन गोपाल जी को कभी भोग की कोई कमी नहीं हुई, नमक तो खैर दूर की बात, सब व्यवस्थाएं हो गई लाइक दैट। और इस प्रकार से फिर ये रामदास कपूर नाम का जो मर्चेंट था इसने बाद में दीक्षा मिली श्री सनातन गोस्वामी जी से, वाओ। तो इस प्रकार से फिर भगवान का मंदिर ये प्रकट हुआ। एक समय ऐसा भी हुआ कि अब क्योंकि मधुकरी क्या करते थे, एक समय भजन में इतने लीन हो गए थे श्री सनातन गोस्वामी कि वो मधुकरी के लिए चले जाएं इस बात का बोध नहीं रहा उनको, तो 3 दिन तक उन्होंने कुछ पाया ही नहीं। तो अभी जो है अब तभी उनको स्वप्न में एक लड़का उनके पास आया रियल में आया और उन्हें एक मटकी दी छाछ की, कहते हैं आपके लिए आप पीजिए इसको, आपने 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है आप इसका आस्वादन करिए। तो फिर उन्होंने ये छाछ ली, छाछ उन्होंने पी, छाछ इतनी अमृतमय छाछ, ऐसी छाछ तो कभी पी नहीं, बहुत स्वादिष्ट अमृतमय थी एकदम। तो जब तो उन्होंने पी तो देखा वो लड़का तो चला गया, वो लड़का कहाँ चला गया, वो तो स्वप्न में आकर ये देखा उन्होंने, वो जो लड़का था वो और कोई नहीं वो कृष्ण आए थे श्री सनातन गोस्वामी को वो मटकी छाछ देकर गए,
ये देखकर इतने भाव विभोर हो गए कि कृष्ण अपने भक्तों का कितना ध्यान रखते हैं। तो ये सोच रहे भावार बार भाव विभोर हो रहे थे वो। ऐसा ही हुआ एक समय श्री रूप गोस्वामी के पास गए श्री सनातन गोस्वामी। तो वहां पर एक शास्त्र लिख रहे थे श्री रूप गोस्वामी, चाटू पुष्पांजलि। उसमें उन्होंने लिखा कि ना श्रीमती राधा रानी और गोपियों की जो वेणी है वो सर्प के समान है। तो ने कहा श्री रूप गोस्वामी आपने गोपियों की वेणी को सर्प के समान बताया। कहते हाँ आप जैसा बताया मैं ठीक कर दूंगा इसको। कहते हैं हाँ सर्प थोड़ा ये उपमा थोड़ी अजीब सी लग रही है सर्प की, इस पर थोड़ा विचार करें देखो जरा। उन्होंने कहा ठीक है गुरुदेव आप बोल रहे तो विचार करूंगा इसके ऊपर। इसके बाद श्री सनातन गोस्वामी जब आगे बढ़े तो उन्होंने ना कुछ गोपियों को देखा और उन्हें झूला झूल रही थी और बाकी उनको धक्का दे रही थी, झूला झुला रही थी। तो उनकी चोटी थी वो हवा में लहरा रही थी ऐसे। तो श्री सनातन गोस्वामी को लगा कि अरे तो सांप है तू। कहता अरे लाली अरे लाली अरे देख तेरे तेरे सर पे सांप है तेरे सर पे। पास जाके देखा वो सांप नहीं था उनकी वेणी यानी उनकी जो चोटी थी वो वही थी। कहता अरे 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 दूर से बिल्कुल सांप जैसी दिख रही थी ये तो। कहता अरे यानी रूप ने बिल्कुल सही लिखा। तो श्री सनातन गोस्वामी वापस गए फिर श्री रूप गोस्वामी के पास। कहते अरे रूप तुमने बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा तुमने, वास्तव में गोपियों की जो वेणी है वो तो सर्प के समान ही है, तुमने बिल्कुल सही लिखा, तुम बिल्कुल चेंज मत करना। तो इस प्रकार से लीलाओं के दर्शन हुआ करते थे श्री सनातन गोस्वामी जी को। ऐसे ही जो है अब जैसे जैसे वो वृद्ध होते जा रहे थे, अब शास्त्रों का संकलन करना वो क्या करते थे, तो पहले जो है वो मानसी गंगा के पास रहा करते थे आश्रम। तो एक से मानसी गंगा के पास वहां पर थे तो ना मच्छर बहुत तंग करते थे उनको। तो उन्हें शिव जी से प्रार्थना की शिव जी आप अवरोध दूर करने वाले हैं, ये मच्छरों को कुछ करिए। तो शिव जी वहां प्रकट हुए, उन्होंने कहा श्री सनातन गोस्वामी अब से आप चिंता मत करो, आपसे यहां पर ना कभी भी आपको मच्छर आकर तंग नहीं करेंगे। और तब से और अब तक उस एरिया में मानसी गंगा के आज तक मच्छर नहीं दिखते। इफ समबडी वांट्स टू हैव एकदम ऑब्स्ट्रक्शन फ्री भजन तो वहां पर कोई कर सकता। दैट इज लॉर्ड शिवा गिव ब्लेसिंग्स टू श्री सनातन गोस्वामी। और एक समय ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति थे उनका नाम था जीवन ठाकुर। ओके ये जीवन ठाकुर नाम के व्यक्ति जो थे इनको धन बहुत गरीब थे। तो शिवजी से प्रार्थना क्या करते थे, शिवजी को जल चढ़ाते थे और शिवजी से प्रार्थना की इन्होंने। तो शिवजी प्रकट हुए इनको स्वप्न में, उन्होंने कहा कि मैं तुम आता हूँ मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूँ। कहा आप मुझको ना धन नहीं है जी हमारे जीवन में, पूरी सृष्टि का सबसे अद्भुत धन मिल जाए तो बड़ी कृपा हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है तुम्हें सबसे अद्भुत धन चाहिए। तो एक व्यक्ति हैं श्री सनातन गोस्वामी उनके पास जाइए, श्री सनातन गोस्वामी के पास ना सबसे अद्भुत धन है उनके पास। पहुंचे श्री सनातन गोस्वामी के पास वो, तो जीवन ठाकुर ने प्रणाम किया। कहते हैं आप श्री सनातन गोस्वामी? कहते हैं हाँ जी। कहते वो शिव जी ने मुझे ना बताया कि आपके पास कोई अद्भुत धन है। कहा अद्भुत धन मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास कोई अद्भुत धन नहीं है वैसे। हाँ मैंने एक पत्थर पड़ा हुआ है डस्टबिन के अंदर, वो अगर देख लो अगर आपके काम का हो तो। वो श्री सनातन गोस्वामी को मिला था यमुना नदी के तट पे, चल रहे थे तो ठोकर लगी, उन्होंने कहा ये क्या चीज़ है ये, उसको लेकर डस्टबिन डाल दिया था उन्होंने। तो जब जीवन ठाकुर ने निकाला वो था टच स्टोन। कहते अरे तो स्पर्शमणि है, तो जिस चीज को छू ले सोना बना दे। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि आपको मिल गया ना आपकी काम की चीज़। कहते हाँ धन्यवाद जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये लेकर के अपने यहाँ उसको बांधा और बांध करके चल दिए यमुना के उस पार। लेकिन सोच रहे कि भाई अगर श्री सनातन गोस्वामी के पास सबसे कीमती चीज अगर ये स्पर्शमणि है तो कूड़ेदान में क्यों रखा हुआ ये, अगर ये कूड़ेदान में रखा हुआ यानी कि इससे भी ज़्यादा कोई कीमती चीज़ उनके पास होनी चाहिए। तो अपनी जो बोट थी उसको यू टर्न मराया और वापस आ गए। कहते हैं जीपीएस को भी कैंसिल कर दो अभी बाहर आ जाओ इससे, वापस पहुंचिए। कहते हैं भाई श्री सनातन गोस्वामी मैंने आपसे पूछा सबसे बहुमूल्य चीज़ क्या है आपके पास, आपने ये डस्टबिन के अंदर मेरे को इंडिकेट कर दिया, वहां से ये निकल के तो आ गए स्पर्शमणि। लेकिन जो व्यक्ति स्पर्शमणि को कूड़ेदान में रखा हुआ है यानी कि उसके पास इससे भी कीमती चीज़ होनी चाहिए, तो मुझको ओला कीमती धन दीजिए ना। तो श्री सनातन गोस्वामी ने कहा हाँ उससे फिर कीमती धन है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से जीवन ठाकुर ने फिर दीक्षा ली उनसे और स्पर्शमणि लेकर के यमुना नदी में फेंक दिया कि असली स्पर्शमणि है जो वह है हरे नाम चिंतामणि।
उस प्रकार से फिर उन्होंने इसको प्राप्त किया। अब काफी वृद्ध हो गए थे तो श्रील सनातन गोस्वामी उस वक्त भी हर रोज परिक्रमा क्या करते थे गिरिराज जी की। तो भगवान प्रकट भी हुए उनको, मदन गोपाल जी, मदन मोहन जी बोले उनको, पिता आप इतनी परिक्रमा करते हो, अब आप वृद्ध हो गए, आपको परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है। कहा नहीं देखिए, लेकिन मैं परिक्रमा, मैं गिरिराज जी को कहे छोड़ दूं तो इसलिए मेरे को परिक्रमा तो करनी है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी खुद की शिला दी, गोवर्धन शिला, ये वो शिला जिसपे कि उन्होंने वेणु वादन किया हुआ, साथ में उसमें वस्त्र का चिन्ह भी है, उन्होंने वो शिला दी कि अगर आप इसकी चार परिक्रमा कर लेंगे तो गोवर्धन परिक्रमा काउंट हो जाएगी आपकी। तो इस प्रकार से वो शिला आज भी अनाद दामोदर मंदिर में श्री सनातन गोस्वामी को प्राप्त हुई थी भगवान स्वयं भगवान से। तो इस प्रकार से श्री सनातन गोस्वामी लिव्ड अ वेरी वंडरफुल प्योर लाइफ और बहुत ही रसिक भक्त थे श्री सनातन गोस्वामी, बहुत रसिक भक्त। तो इसे उन्होंने बृहद भागवतामृत नाम का बहुत दिव्य ग्रंथ लिखा, जिसमें कि जिसके दो भाग हैं। एक है जिसमें कि नारद मुनि ढूंढ रहे हैं कि ना सबसे ज्यादा बड़ा कृपा का पात्र कौन है, तो वो सीरीज जैसे वैष्णव महाराज ले रहे हैं, ओके, अभी पांडव तक पहुंचे और आगे जाएंगे। और दूसरा पार्ट है गोप कुमार का कि किस प्रकार से गोप कुमार की जो स्वरूप सिद्धि हुई है तो सारे ग्रहों से होते होते वो कैसे भगवान के धाम पहुंचते हैं, तो वो जानी। तो ये दो पार्ट में है बृहद भागवतामृत, विच इज अ मास्टरपीस। और प्रभुपाद जी ने बोला है अगर कोई व्यक्ति भक्ति की इंट्रीकेसीज को समझना चाहता है, भक्ति की गहराइयों को समझना चाहता है, तो उसके लिए बृहद भागवतामृत पढ़ना मस्ट है ऐसा। साथ ही कृष्ण लीला स्तव जो कि बीबीटी के द्वारा पब्लिश है वो भी श्री सनातन गोस्वामी ने लिखा, और हरि भक्ति विलास ये उन्होंने लिखा, और साथ ही श्री सनातन गोस्वामी ने बृहद वैष्णव तोषणी ये भागवतम के ऊपर कमेंट्री उन्होंने दी, ओके। और इस प्रकार श्री सनातन गोस्वामी डिड सो मच ऑफ स्कॉलिस्टिक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पाथ ऑफ भक्ति। तो इसलिए उनका त्रिभाव दिवस पर हम प्रार्थना करते हैं श्री सनातन गोस्वामी से, लवंग मंजरी से, कि हम पे कृपा करें, हमको शुद्ध भक्ति प्रदान करें, और हमारा भजन में हमारा मन लगे, हमारा नाम में हमारा मन लगे, हरि नाम में। सो लेट्स प्रे टू श्री सनातन गोस्वामी ऑन हिज डिवाइन डिसअपीयरेंस डे। हे कृष्णा, श्री सनातन गोस्वामी त्रिभक्ति महामहोत्सव की जाए, श्री सनातन गोस्वामी पाद की जाए, आई गो प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओके, किसी का कोई प्रश्न है? हाँ बताइए, पूवे चितने पू, यस। हाँ, या वो कब सुना करते थे? आपातकालीन स्थिति में, जब वैष्णव नहीं थे। प्रश्न ये है कि हमें प्रोफेशनल रिसाइटर से नहीं सुनना चाहिए श्रीमद् भागवतम, लेकिन वो खुद सुना करते थे, तो उनकी आपातकालीन स्थिति थी, जब कोई व्यक्ति सुनने को कुछ है ही नहीं, अरे कहीं तो सुनने को मिल जाए, राइट, उस वक्त इसलिए सुना करते थे उनसे। कुछ अगर प्रोफेशनल स्पीकर भी थे उनसे भी सुना करते थे। जैसे एक और जो भक्त थे ना, उनका नाम था आई फॉरगॉट हिज नेम, ही वाज आल्सो प्रोफेशनल रिसाइटर, देवानंद पंडित, यस देवानंद पंडित। सो ही वाज प्रोफेशनल रिसाइटर अर्लियर, लेकिन उनको सुनने के लिए जाया करते थे, राइट। सो दैट वेज अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है, भाई आपको बस साधु संग मिल नहीं रहा, हरी कथा सुनने का मौका मिल रहा, तो कहीं से कुछ सुनने का मौका मिल जाए, तो वो था सर्वाइवल मोड था, अदरवाइज वैष्णव से ही सुनना चाहिए। और आप तो खैर यूट्यूब और ये सब सब जगह है ही, तो वैष्णव से सुनने का पूरे पूरे प्रावधान है। प्रोफेशनल रिसाइटर का मतलब होता है जो कि कथा करने का पैसा लेते हैं। देखिए कथा हो जाएगी 5 लाख लग जाएंगे, हाँ वो भी प्रोफेशनल काउंट होती है। अगर किसी को यश चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, क्योंकि लोग पहुंच होते हैं, शिष्य बनते हैं हमारे, तो ऐसे व्यक्ति भी अगर कथा करते हैं, उनकी कथा में फिर जान नहीं होती, क्योंकि वो जो धन चल रहा होता है, अब 3 दिन और बाकी हैं, अब 2 दिन और बाकी हैं, आज का दिन है और कल पैसा है, हाँ,
तो इसीलिए कई लोग बहुत डिमांड करते हैं, देखिए हम आए कथा करने के लिए, फाइव स्टार होटल में रुकवाइएगा, देखिए हम ऐसे वैसे नहीं रुक पाएंगे, हम फाइव स्टार होटल में रुकेंगे, हम कहते हैं लेकिन देख लीजिए मंदिर में अच्छा रहेगा, मंदिर में एकदम बात, देखिए मंदिर अंदर अच्छी बात है लेकिन हम आपको आप ये रेडिसन रूम में रुकवाइएगा। बिल्कुल होते हैं, वैष्णव समाज में भी ऐसे होते हैं, तो इसलिए वैष्णव समाज में सबका सम्मान करना चाहिए, श्रवण उनसे करना चाहिए। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, तो वैराग्य विद्या देने वाले के लिए कौन है? महाप्रभु। तो महाप्रभु की शिक्षा कौन दे पाएगा? इसमें वैराग्य होगा। सो इसीलिए हमें सिंपलिस्टिक वे में रहना चाहिए, अगर हम बहुत डिमांडिंग हैं अगर, तो ऐसे भक्तों का हमें सम्मान करना चाहिए, बस और से सम्मान ही करना चाहिए। श्रवण हम उनसे नहीं करेंगे जी, श्रवण तो हम ऐसे भक्तों से करेंगे जो कि भक्ति में एडवांस्ड हैं और धन इत्यादि इसमें नहीं लगे होते, शोशाबाजी में नहीं लगे होते। ज़्यादातर कथाएं जो होती हैं आजकल उनमें शोशाबाजी बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे उसमें गाने होते हैं, ज़्यादातर तो मानवता पे गाने होते हैं उसके अंदर, और कुछ फिल्मी ट्यून्स के साथ होते हैं। तो दैट वे ये सब ना भागवत का रस आता ही नहीं है। जैसे वैष्णव महाराज जो थे, वैष्णव महाराज ने यहाँ कथा की थी एक बार जनकपुरी में, अब वैसे एक्सपेक्टेड था ना कि वहाँ पर और भी कुछ होगा, मतलब और मंडली वंडली वाले भी आए हुए थे, जितने बोले होते हैं वो सब आए होते हैं वहाँ पर वो, लेकिन महाराणा का नहीं, कथा ही करते हैं बस। महाराणा सिर्फ और सिर्फ भागवत कथा की, तो सबका अनुभव ये था कि हमने इससे पहले हमको पता नहीं था भागवतम ये है, हम कुछ और ही समझे होते भागवतम को, क्योंकि कई भागवत स्पीकर आते हैं पर भागवतम के अलावा बाकी सब कर जाते हैं वो, ये भी मतलब ये भी कला है एक तरह की। तो महाराज की भागवतम सुनने के बाद उनको लगा अच्छा महाराज ये सब भागवतम में दिया, महाराज ने कहा हाँ आप लोगों को सुना नहीं, कहता हाँ मतलब हम तो 21 बार भागवत सुने, ये सब तो कभी हुआ ही नहीं, वाह। तो पोटेंसी भी नहीं आ पाती कथा करने की, रीजन बीइंग उसके पीछे एक मोटिव है कि जी उसमें लक्ष्मी मिलेगी जी, पैसा मिलेगा जी, हाँ। लेकिन अगर लक्ष्मी मिलती है लेकिन कोई देता मंदिर के लिए देता है कि प्रभु जी 1,00,000 रुपये मिले वहाँ से, ये भगवान के मंदिर के लिए, देन इट इज ओके, देन इट इज ओके। और वैसे होता है कि कुछ लोग दान देते हैं पर हमें कोई राशि फिक्स कर दें तो फिर वो होता है पैसा लेने में आया, अदरवाइज क्या यूजली कथावाचक कुछ ना कुछ दान मिलता है, ये प्रभु जी आपके लिए 5,100 रुपये, ये आपके लिए 11,000 रुपये देती है, तो बात समझ में आती है। मान लो जैसे वो गृहस्थ है तो हो सकता है उससे फिर अपने गृहस्थी चलाता हूँ, लेकिन जैसे उसने रख दिया, देखिए 1100 में क्या होता है नहीं नहीं ये कथा करने के लायक नहीं है अभी, कहते थोड़ा और बढ़ाइए 21, हाँ 21 अच्छा है, थोड़ा और बढ़ाइए 51, हाँ बढ़िया बढ़िया 11 हाँ बढ़िया, आप अच्छा अच्छा कर रहे हैं आप, बड़े बढ़िया और आगे बढ़िए, हाँ 21,000, हाँ ये अब थोड़ा ठीक लगना शुरू हुआ है, और सर 51,000 देखिए अब आपके यहाँ आए तो 51 से क्या होता है, अच्छा है ठीक है फिर 1,00,000 कर दें, अब चलिए आपकी खुशी के लिए कर देंगे, ये बदमाशी है। तो कथा के लिए लोग ऐसे मोल भाव भी करते हैं कि देखिए अगर आपको तामझाम चाहिए, अगर सारा वो पियानो वियानो उसके साथ इतना पैकेज, ड्रामा चाहिए तो इतना पैकेज, कथा वाला चाहिए इतना पैकेज, 3 घंटे कथा करेंगे इतना पैकेज, 2 घंटे वाले में इतना पैकेज, 1 घंटे वाले में इतना पैकेज, पूरा A4 शीट में आता है, ये देख लीजिए आपको जो सा पैकेज चाहिए आप बता दीजिए आप। तो ये प्रोफेशनल स्पीकर्स हैं, तो ऐसे कथाओं का लाभ कुछ होता नहीं है फिर, पर होता है भाई एक जमावड़ा होता है, एक साथ इकट्ठे हो गए उसके बाद खाना पीना हुआ, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता। हाँ यस रेवोल्यूशन प्रभु जी, यस बताइए जी, रोहित जैसे आपने बताया कि अगर ऐसे कोई स्पीकर्स आते हैं तो हमें हाथ जोड़ देना चाहिए पर श्रवण नहीं करना चाहिए, अगर जो पैसे लेके कर रहे हैं, पर कभी कभी देखा जाता है कि किसी किसी स्थान पर वो पैसे लेके कर रहे हैं, पर लेट से मंदिर में अगर वो आए हैं भागवतम क्लास ले रहे हैं तो उसमें वो पैसे नहीं लेते, तो इन जनरल रिजेक्ट करना चाहिए या फिर जिस कथा में वो पैसा डिमांड कर रहे हैं वो कथा नहीं सुननी चाहिए, बाकी अगर भागवतम क्लासेस बाकी सुन लें, वो पैसा नहीं, भागवत कथा करेंगे, कभी कभी हम प्रोफेशनल भी होते हैं, कभी कभी हम डिवोशनल भी होते हैं, तो जब वो डिवोशनल हुए तो उनको सुन लिया हमने, जब प्रोफेशनल हुए तो जय सिया राम, अच्छा तो सुन लेंगे हम, जैसे मंदिर में कभी कभी आना होता है ऐसे भक्तों का, सुन लेते हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं। और एक प्रश्न कि जैसे आपने शुरू में चतुर्मास्य का बताया, तो आपने साइंटिफिक रीजन बताया कि पत्तों में, मैंने पहले सुना था अभी याद नहीं आ रहा है,
पत्तों में कीड़े लग जाते हैं बारिशों के मौसम में, और जो उड़द की दाल है उसका प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है उस महीने में। इसमें मिल्क और कर्ड का भी सेकंड थर्ड महीने में भी एक साइंटिफिक रीज़न है कि क्यों नहीं लेना चाहिए, वो थोड़ा याद नहीं आ रहा, बता सकते हैं मुझे? ये जो होता है ना, जो दूध होता है, दूध ना उसको उसके फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसमें। तो इवन जब दूध लिया भी जाता है ना, तो दूध जो लिया जाता है उसका उसमें विकार आ गए होते हैं बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, तो इसलिए फिर दूध नहीं लेते। दही का मुझे याद नहीं है, दही का एग्जैक्टली क्या है, दही मेरे ख्याल से कुछ पाचन में कुछ ठीक नहीं रहता उस वक्त, तो इसलिए फिर ये रीजन रहता है उसका। थैंक यू। ये डिसाइड कैसे करेंगे कि ओके मधुकरी में भाई जो उसने बनाया है वो बड़ा जरूरी होता है, ये भोग लगाया कि नहीं लगाया, उसका कैसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं मधुकरी को एक्यूरेट अच्छा होगा? मधुकरी में क्या होता है कि ना, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि भोग नहीं लगा हुआ। सो मधुकरी में व्यक्ति लेकर के आता है और जो भी इष्ट देव है उनको भोग लगाता है वो, जैसे कि सनातन गोस्वामी जब लेके आया करते थे उसके बाद वो मदन गोपाल जी को भोग लगाया करते थे, वट एवर इज देयर मधुकरी में जो मिला है उसको भोग लगाएंगे। सो दैट इज फर्स्ट इज ऑफर टू द डीटीज। कैसे हुआ है ना, सफाई से हुआ है? होता क्या है कि ना, क्या चीज हमको बांधती है वो है हमारी भोग वृत्ति। इवन किसी कर्मी के यहाँ भी अगर हम पाने के लिए जाते हैं, देखो ये हमें जाना पड़ता है प्रीचिंग के लिए जाते हैं ना हम लोग, तो अब है घर में प्याज लहसुन बनता है उनके, तो हमने औपचारिकता के तौर पर प्रचार हेतु जब हमने कुछ मिनिमल अमाउंट ले लिया, क्या ठीक है आपकी खुशी के लिए पा लेते जी, जैसे कि जाते हैं ना हम घरों में बोलते हैं जी आपके लिए स्पेशली बिना प्याज लहसुन का बनाया है, अब आप मना नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम एक चपाती ले लेते हैं उनकी खुशी के लिए। अब ऐसे में क्या भोग वृत्ति नहीं थी उसके अंदर, तो फिर कर्मों में व्यक्ति नहीं बनता। लेकिन जब आती है अच्छा यार तो मौका मिला गया तो अच्छा बिना प्याज लहसुन का क्या, और तो बिलाओ जी फिर हो जाएगी। सो वी टेक बेयर मिनिमम औपचारिकता के लिए, वही प्रचार हेतु, तो फिर व्यक्ति को बंधन नहीं आता है। तो मधुकरी में व्यक्ति क्या करता है इन वेरी डिटैच्ड वे, बिना भोग वृत्ति के प्राप्त करता है उसको, इसीलिए कर्म बंधन नहीं लगता, भोग वृत्ति बांध देती है हमको। मदन गोपाल जी जैसे सनातन गोस्वामी की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भोग लगाइए, हाँ, और साथ में महाप्रभु के इंस्ट्रक्शन जो कि गुरु हैं महाप्रभु, तो दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन, जैसे कि एक इंस्ट्रक्शन भगवान से आ रहा है हाँ, कि आप मेरी सेवा करो, एक इंस्ट्रक्शन गुरु से आ रहा है कि आप प्रचार करो, तो किसका, क्योंकि गुरु को फॉलो करेंगे फाइनल, मतलब कहते हैं ना जो बाद में इंस्ट्रक्शन आता है वो इंपॉर्टेंट। अगर ना भगवान में और गुरु के इंस्ट्रक्शन में कभी अगर अंतर आ रहा है ना, इसका मतलब भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि गुरु की इच्छा कभी भगवान की इच्छा से अलग हो ही नहीं सकती। अगर ऐसा हो रहा है कि प्रमाणिक गुरु हैं और ना आपको बोले ये करो, भगवान को बोल रहे नहीं तो वो कर ले, इसका मतलब भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आपकी गुरु भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं वो, तो हमें वही फॉलो करना चाहिए। जैसे इनकी कथा नहीं आती जो हरिवंश की, जो जिसमें कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द डिवोटी, जिसमें कि राधा रानी जो है उनको पान दी हुई है और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बोले पान नहीं खाना है। हाँ हित हरिवंश, यस। तो उनके नाम क्या था, उनका भक्त का नाम, नाम बोलिए उनका, जिसमें कि राधा रानी खुद पान दी हुई है, लेकिन रघुनाथ दास सॉरी गोपाल भट्ट गोस्वामी बोल रहे हैं नहीं पान नहीं खाना आपको। हाँ सो दैट फेज, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने पान पाली, क्योंकि राधा रानी ने दिया है। असल में राधा रानी परीक्षा ले रही थी कि जो गुरु बोले ना असल में क्या करना हुआ है, क्योंकि हमारी इच्छा वही है जो कि गुरु की इच्छा होती है, गुरु और हमारी इच्छा में कोई अंतर नहीं होता। सो दैट फेज ही वाज टेस्टिंग हिम, यहाँ तो टेस्ट में बोलेंगे उनकी आत्मीयता है, अरे नमक तो ला दो, ये उनकी आत्मीयता है श्री सनातन गोस्वामी के साथ। और श्री सनातन गोस्वामी का ये बोलना आज नमक मांग रहे हो कल पनीर मांगोगे, 56 भोग मांगोगे, मैं कहाँ से लेकर के आऊँगा, ये भी उनकी आत्मीयता है भगवान के साथ। तो इसको इस तरह समझना चाहिए, कोई इच्छा में कोई वो नहीं है, भेद नहीं है, दोनों में सेम ही है, आत्मीयता के कारण ऐसा होता है। हाँ यस प्रभु जी बताइए। ओके ऑलराइट। जैसे प्रभु जी ईशान की जो कथा भी आपने बताई कि ईशान ने 7 मुद्राएं दे दी थी, एक फिर भी छुपा के रख ली थी, हाँ। तो सनातन गोस्वामी जो मैसेज कन्वे किया बाद में, वो मैसेज डिवोटीज के लिए ही था कि मतलब मैं कृष्ण पे निर्भर होना चाहता हूँ और आप वेल्थ पे निर्भर हो तो हाँ। हमारे रास्ते अलग अलग हैं। यस। अब इस केस में प्रभु जी मतलब इसको अगर प्रैक्टिकली देखें तो हम कैसे समझ सकते हैं, चाहे वो गृहस्थ वैष्णव हो या ब्रह्मचारी वैष्णव हो, हाँ जी, हाँ जी। अगर दोनों यात्राओं पे जा रहे हैं, लेट्स से किसी ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, किसी के लिए जा रहे हैं, तो दे हैव टू बी विद मनी। यस। अदरवाइज क्योंकि अभी आजकल तो मनी के बिना वैसे भी कुछ होता नहीं है। हाँ।
सो व्हाट दे शुड डू, मतलब ऐसे अगर ना कोर्स करने निकल गए मायापुर में, यात्रा करने निकल गए पर बिना किसी चीज के निकले, तो इसको प्रैक्टिकली हम लोग कैसे समझ सकते हैं इस पॉइंट को? ऐश्वर्य जी, गृहस्थों के लिए अलग रूल्स होते हैं, ब्रह्मचारियों के लिए अलग रूल होते हैं। जैसे कि अपने पास कुछ सेविंग रखना, ये ब्रह्मचारी को नहीं करना चाहिए कि कल मेरे को निकाल दे तो कुछ पैसा होना चाहिए यार। ब्रह्मचारी को नहीं सोचना चाहिए साहब, कहते जब निकालेंगे तो भी वो कोई बदतमीजी भी निकालेंगे मेरी, और जब निकालेंगे तो भी पालने वाले प्रभु ही हैं। तो ब्रह्मचारी को कोई संकलन नहीं करना चाहिए, कुछ अपना कोई अलग से अकाउंट रखा हुआ उसने, और यहाँ पुराने नौकरी की है ना, नौकरी के बाद उसने 10 लाख रुपए रखे हुए थे कि कभी जरूरत पड़ी तो ये 10 लाख रुपए, और अपना उसने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड भी रखा हुआ है कि कभी कभी चोरी चोरी बीच बीच में निकाल करके, तो क्या वो ब्रह्मचारी नहीं है, वो कर्मचारी है अभी भी, क्योंकि भवन पर रिलाय नहीं करता वो। गृहस्थों को जो है कुछ इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन में आपातकालीन स्थिति आती है। तो इसीलिए श्री भक्तिनो ठाकुर जी ने एक बुक लिखी भक्त्यालोक। भक्त्यालोक के अंदर जो अत्याहार प्रयासश्च, इनमें ना जितने भी टर्म्स हैं एक्चुअली इसके ऊपर पूरी बुक लिखी उन्होंने, सेकेंड और थर्ड वर्स शिक्षाश्रम के, सॉरी उपदेशाश्रम उपदेशामृत के ऊपर ही हैज रिटन अ बुक भक्त्यालोक। तो उसमें वो बता रहे हैं ब्रह्मचारी को क्या करना होगा, सन्यासी को क्या करना होगा और गृहस्थ को क्या करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अत्याहार, अत्याहार करना मतलब ज़्यादा रखना या ज़्यादा खाना, गृहस्थ जो है एक्स्ट्रा रख सकता है, ब्रह्मचारी को नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह से दोनों के रूल में आता है, फर्क आता है। जैसे अब मायापुर जाना ही है, इवन ब्रह्मचारी को पता है कि मुझको वहाँ बुक्स खरीदने के लिए मैं थोड़े पैसे रख रहा हूँ, ठीक है जी, और बाकी मैं परिक्रमा करूँगा उसके लिए इतने पैसे हैं, तो उसने इस तरह से 4,000 और 1,000 रुपये रखे हुए हैं। अब ये उसमें नहीं आता कि वो पैसा उसने अलग से छुपा कर रखा हुआ है। जो मंदिर से पैसा इश्यू होता है वो योग माया अकाउंट होता है, जो अलग से छुपा छुपू के होता है उसको महामाया अकाउंट होता है वो। तो इसलिए भक्त को चाहिए पैसे चाहिए, बिल्कुल ब्रह्मचारी कैन टेक मनी, अकाउंट से लेना, अकाउंट में जाए बोल दे मेरे को 5,000 रुपये चाहिए, 4,000 रुपये मेरी परिक्रमा के लिए है, 1,000 रुपये की होता है मुझे को बुक्स लेनी पड़े, और फिर वहाँ इशू होता है, वाउचर साइन होता है, अप्रूवल वगैरह होता है। अब जो धनलक्ष्मी जो आती है वो योग माया है, जो अलग से लेकर के वो अपनी इंद्रिय तृप्ति करता है वो महामाया अकाउंट होता है। हाँ बताइए। यस हाँ हाँ, रखना आसान तो है, क्या दिक्कत है उसके अंदर, आसान है। हाँ नए नए, बिल्कुल नए नए वाले भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, कई लोग रखते हैं चतुर्मास तो, कई लोग रखते हैं इस्कॉन वाला बाहर वाला डिवोटी भी रखता है चतुर्मास तो, इंडिया में कई लोग रखते हैं चतुर्मास, तो ये तो हमारे कल्चर का हिस्सा रहा है, चतुर्मास को रखना तो कल्चर का हिस्सा है, हमारे सनातन धर्म का कल्चर का हिस्सा है, कोई भी रखता है। हाँ जी बताइए भैया, सुनो सुना आप। चतुर्मास में जो पहला वाला जो हरी पत्ता वाला बताया था आपने, हाँ इसमें तो पत्ता गोभी इंक्लूड होता है, पत्ता गोभी हो गया, पालक हो गया, पालक वगैरह हो गया, बट हाउ अबाउट कड़ी पत्ता एंड धनिया पत्ता, डू वी हैव टू अब्स्टेन फ्रॉम द स्पाइस में आते हैं, ये वेजिटेबल्स नहीं है, करी पत्ता एंड धनिया दे आर काउंटेड इन स्पाइस। हाँ तेज पत्ता हो गया, ये ले सकते हैं जी। साथ होने चाहिए भाई। यस हाँ जी प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि प्रभुपाद जी ने बोला है कि बृहद भागवतामृत पढ़ना जरूरी, अगर कोई भक्ति के असली तत्व को समझना चाहता है, तो जैसे प्रभुपाद जी ने अपनी बुक्स दी है उसमें ये बुक नहीं दी, और प्रभुपाद जी ने खुद बोला है कि ऐसा नहीं दी, वो नहीं दे पाए क्योंकि भागवतम कर रहे थे, इसके बाद उनका प्लान तो यही था, जैव धर्म देने का प्लान था, बृहद भागवतम देने का प्लान था, प्लान था उनका, पर उससे पहले उनकी लीला समाप्त करके वो अब दूसरी जगह लीला कर रहे हैं भगवान की इच्छा से। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर कोई प्रांदन प्रभु आप ही सेवा कर दो, तो उन्होंने अपने पार्षद को ये सेवा दे दी। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में तो सनातन गोस्वामी जी ने दिया था बृहद वैष्णव तोषणी, हाँ तो फिर जयपुर में बलदेव विद्याभूषण को, ये तो कमेंट्री है ना भागवतम के ऊपर, हाँ एक है वेदांत सूत्र पे कमेंट्री, वो तो दी बलदेव विद्याभूषण जी ने, तो भागवतम में कमेंट्री दे दी, ये भागवतम में कमेंट्री है, बृहद वैष्णव तोषणी इज कमेंट्री ऑन श्रीमद् भागवतम वाइष्णव सनातन गोस्वामी, लघु वैष्णव तोषणी इज कमेंट्री ऑन भागवतम वाइष्णव जीव गोस्वामी, ये भागवतम में कमेंट्रीज है, वेदांत सूत्र पे नहीं है, वेदांत सूत्र पे कमेंट्री दी बलदेव विद्याभूषण जी ने गोविंद भाष्य।
हाँ जी सनातन गोस्वामी के पेरेंट्स और फैमिली के बारे में कहीं पे डिस्कशन नहीं आता पहले, क्योंकि जब वो फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की उनको सेवा मिली भी, उसके बाद भी जब वो आए फिर आके वो बस चले गए, मतलब ये नहीं आता कि फैमिली से सेपरेशन क्या कुछ तो नहीं, फैमिली से ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था उनको, उनके पिताजी का नाम कुछ कुमार भट्ट करके था, मैरिज वगैरह नहीं थी उनकी, मैरिज का एज सच कोई इंसिडेंस आता नहीं कि उनकी मैरिज हुई एज सच, तो सो दैट इज, लेकिन अगर काफ़ी एज होती तो हो सकता है बिल्कुल उनकी मैरिज हुई हो, लेकिन एज सच कहीं मेंशन नहीं है उनकी मैरिज के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, वो पापा पापा मत जाओ कुमार देव करके उनके पिताजी। और जी एक ये था, जैसे ये वाली जो लीला है जिसमें श्री सनातन गोस्वामी को गोपाल जी बोल रहे हैं कि नमक के लिए वो मना कर रहे हैं, तो इसमें प्रभु जी ये दो एस्पेक्ट, एक वो ही चैंटिंग और कह रहे हैं मैं भजन में इतना लीन हूँ, तो एक है कि नाम जब जा जरूरी है, भगवान की सेवा जा जरूरी है वहाँ पे, प्रिंसिपल एक्चुअली भगवान की सेवा वो करता है भक्त जो कि गुरु से मिली हुई है, तो गुरु ने को सेवा दी हुई ऑलरेडी वो सेवा कर रहे हैं, मधुकरी भी करते हैं, ग्रंथ भी लिख रहे हैं और डीटीज भी इंस्टॉल कर रहे हैं भक्तों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, गुरु से सेवा मिली हुई वो कर रहे हैं। मदन गोपाल जी तो छेड़छाड़ी कर रहे हैं उनके साथ, क्योंकि आत्मीयता है भगवान के साथ उनकी, सनातन गोस्वामी जी के साथ, इसीलिए। और पूरी सबसे एग्जॉस्टिव श्रीमद् भागवतम के ऊपर कमेंट्री किस हमारे आचार्य ने दी है, एक्सेप्ट श्रील प्रभुपाद जी के पास सबसे एग्जॉस्टिव जो कमेंट्री है वो श्रील विश्वनाथ ठाकुर की है। ओके हाँ, उसके बाद फिर श्रीजीव गोस्वामी और श्रील सनातन गोस्वामी की है। After reading Prabhupada books, what is the sequence in which we should approach Acharya's commentary? Vishwanath Chakravarti Thakur. फिर then? Vishwanath Chakravarti Thakur पढ़नी चाहिए। Then बाकी अच्छा। हाँ, सिद्धांत दर्शनी is masterpiece. तत्व में, रस में, दोनों में Vishwanath Chakravarti Thakur is unsurpassable. Amazing. वो पढ़नी चाहिए। उनकी गुरु ऊर्जा परिक्रमा 3-3.5 घंटे में हो जाया करती थी। पाँच घंटे में कर लेंगे सुबह सुबह शुरू करेंगे 3 बजे, 8 बजे तक हो जाया करती थी। उसका भजन कर लिया अपना 6 घंटा, उसमें हो गए थे उनके 128 राउंड्स हो गए, और बाकी लीला वो लीला सरी जो है उसके लिए 2-3 घंटे बस हो गया, दैट्स इट। और लीला सरी ऐसे नहीं पहले निकल गए फिर वापस अपने हेडक्वार्टर में आना है, ये तो चलते फिरते रहते हैं, कभी इस वृक्ष तभी उस वृक्ष, तो आगे बढ़ते रहेंगे बस, थोड़ा चलेंगे और आगे चल देंगे लाइक दैट। तो इनका ऐसा रहा करता था। मदन मोहन हो गए तो ये कैसे होता है, जैसे प्रभुपाद जी ने वो पेरिस ईश्वर रखे थे, अब मान लीजिए फ्यूचर में जाके वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने पेरिस का नाम बदल के कुछ भी रख दिया, तो मतलब वो फिर मैच नहीं करेगा, वो फिर पेरिस ईश्वर ही रहेगा। वो प्रभुपाद जी ने बोला पेरिस ईश्वर मतलब परियों के ईश्वर, पेरी ईश्वर तो पेरिस ईश्वर, तो हालांकि हम उनको नाम से बोलते हैं कि पेरिस ईश्वर, प्रभुपाद जी ने लेकिन इसका मीनिंग ये दिया कि पेरिस की स्त्रियां बड़ी सुंदर हैं, परियों की जगह जैसी हैं, इनके ईश्वर हैं कृष्ण, तो इसलिए पेरिस ईश्वर। और ये डीटीज का नाम मतलब कैसे चेंज होता है, मतलब आचार्य रखते हैं आचार्यों की इच्छा है, भाव से या फिर कोई भाव से होती है, बिल्कुल उनके पास भाव है, हमारे पास अभाव है, उनके पास भाव है, इसकी कोई विधि वगैरह नहीं होती है, कोई विधि नहीं होती, वो नाम देना होता है, सिंपल है, ठीक है, भाव एक्सटसी। ऑलराइट, जय हो श्री प्रभुपाद की जय, वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री सनातन साईं प्रभुपाद की जय, दाय गोपी मनंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।